दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, दो तरह के स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। देखो जब लाइट गुफा के अंदर जाए, केव के अंदर जाए और टकराए तो हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। जब लाइट केव के अंदर जाए, लाइट केव के अंदर जाए तब बोलेंगे कॉनकेव मिरर। क्या करते हैं हम, यहां पीछे सिल्वर करते हैं और उसके ऊपर ब्लैक कर देते हैं। इस तरफ से पीछे से सिल्वर किया और उसके ऊपर ब्लैक पेंट चढ़ा दिया जिससे लाइट यहां से आके लड़कर वापस जाए। मतलब ये इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है। तो जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड केव के अंदर हो उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अच्छा कॉन्वेक्स मिरर ए ऐसा देखने में वैसा ही लग रहा, पर यहां पे लाइट बाहर वाले सरफेस पे आएगी, बल्ज वाले सरफेस पे आएगी। कौन सी लाइट जो आ रही है, मतलब रिफ्लेक्शन यहां होगा। सो दिस इज रिफ्लेक्टिंग साइड, ये साइड रिफ्लेक्टिंग है। लाइट यहां पे आके लड़ेगी और लड़कर ऊपर या नीचे या कहीं जाएगी। पीछे से सिल्वर किया और उसके ऊपर ब्लैक पेंट कर दिया ताकि लाइट यहां से इस तरफ ना जाए, लड़कर इधर ही आए। इसमें लाइट लड़कर वापस यहीं आएगी। तो ये कौन सी साइड हो गई, रिफ्लेक्टिंग साइड, और इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड बल्जिंग वाली होती है। तो जिसकी बल्जिंग वाली रिफ्लेक्टिंग साइड वो कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें लाइट गुफा के अंदर जाए वो कॉनकेव मिरर। आइए अब कुछ टर्म समझते हैं जो मिरर से जुड़े होते हैं या स्फेरिकल मिरर से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो सम टर्म्स, क्या क्या टर्म है, चलिए कॉनकेव मिरर से समझते हैं सारी कहानी। मान लें कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, मैं यहां पे बना लेता हूं, ये रहा। अब इस तरफ से आपने इसके पॉलिश करके ब्लैक पेंट चढ़ा दिया। अब देखो ये मिरर, मिरर होता क्या है, ग्लास, क्या होता है ग्लास, ग्लास के पीछे से आपने पॉलिश करके ब्लैक पेंट चढ़ा दिया और इस तरफ से लाइट आएगी। अब देखो ये मिरर देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि किसी स्फीयर से ही निकला है, इस मिरर को हमने किसी एक स्फीयर से काट के बनाया है। तो ये जो स्फीयर है इसका जो सेंटर है इसको बोलते हैं सी, और सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एग्जाम में पूछा क्या होता है, तो आप बोलो मिरर जिस स्फीयर से तोड़ा गया है उस स्फीयर का जो सेंटर है उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मिरर का जो मिड पॉइंट होता है तो उसको पोल बोलते हैं। मिरर का जो मिड पॉइंट, मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको पोल बोलते हैं या पी से डिनोट करते हैं। फिर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हुए ये जो लाइन बनती है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हुए जो लाइन बनती है इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब सेंटर और पोल, सेंटर और पोल के मिड में जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं एफ, एफ बोले तो फोकस या फोकल पॉइंट, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि मिरर एक स्फीयर से बनता है, स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, मिरर के मिड पॉइंट को पोल बोलते हैं, ये जो लाइन ज्वाइन होती है इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, इस लाइन का जो मिड पॉइंट होता है उसको फोकस या फोकल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऐसी कहानी है, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान से देखो ये रेडियस के बराबर नहीं होगा इस स्फीयर का, तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस पीसी जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। देखो ये रेडियस होगा और ये जो डिस्टेंस होता है पोल से फोकस का पीएफ, ये जो डिस्टेंस है पोल से फोकस का इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। तो एक चीज ये समझो मिरर में जितने भी डिस्टेंस मेजर होते हैं वो पोल से होते हैं, कहां से होते हैं पोल से, पोल से सी तक गए तो रेडियस, पोल से एफ तक गए तो फोकल लेंथ। अच्छा फिर एक चीज होती है कि जो फोकल लेंथ होती है, जो फोकल लेंथ, ये जो डिस्टेंस होता है ये रेडियस का आधा होता है, आर बाई टू, मतलब ये डिस्टेंस इस पूरे डिस्टेंस का आधा होगा, मतलब दिस डिस्टेंस विल बी आर बाई टू और बचा हुआ भी कितना हो जाएगा आर बाई टू, क्योंकि ये कहां पे है, इन दोनों के मिड पॉइंट में है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो इससे जुड़ी थी कि एक पोल होता है मिरर के बीच में और उसका जो स्फीयर होता है उसका जो सेंटर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनका मिड पॉइंट फोकस या फोकल पॉइंट और ये आर बाई टू, ये आर बाई टू। अच्छा फिर बात आती है कि क्या क्या नियम है और क्या क्या बातें हैं फोकस की,
या कैसे फोकल पॉइंट को डिफाइन करें. सो व्हाट इज फोकस या फोकल पॉइंट. तो आप एक लाइन में ये बोल दोगे कि प्रिंसिपल एक्सिस पे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के पॉइंट को फोकल पॉइंट कहते हैं. पर इसकी दूसरी क्लासिकल डेफिनेशन थोड़ी अलग है. क्या डेफिनेशन है? ये हमने कॉनकेव मिरर बनाया, पीछे से पॉलिश करके ब्लैक कर दिया. अब रे ऑफ, और ये हमने बना लिया प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. अब रे ऑफ लाइट आई ऐसे, कैसे? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. और एक और ले आते हैं यहां नीचे से, ये रे ऑफ लाइट भी आई ऐसे. कैसी आई? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. अब ये मिरर से लड़ेंगी और क्या होगा? रिफ्लेक्ट होंगी, मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट पास करेंगी फोकस से. कहां से पास करेंगी? फोकस से. तो ये फोकस डिफाइन करने का तरीका है. क्या तरीका है? अब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स में थोड़ा अलग होगा, ऑफ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड फोकल पॉइंट या फोकस या एफ. तो अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और कॉनकेव मिरर से टकराई, तो टकराने के बाद वो सब कहां से पास करेंगी? फोकस से. जैसे ये एक रे ऑफ लाइट और लाए, ये भी कैसी है? पैरेलल. तो कहां से पास करेगी? फोकस से. ये लाए पैरेलल, तो मिरर से लड़ने के बाद, मिरर से लड़ने के बाद कहां से पास करेगी? फोकस. सो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर passes through a common point on the principal axis and this point is called focus. और ये distance focal length. ये जो distance है इसको बोलते हैं focal length. focal length. ठीक है? अच्छा एक चीज और होती है. ये सोच लो ये mirror है और यहां से rays आ रही. ये mirror है और ये rays आ रही. इनके बीच में मैं यहां पर focus को काटता हुआ एक plane रख दूं. अब ये mirror है और rays इस तरफ से आ रही. ये mirror है और ये focus को काटता हुआ एक प्लेन रख दिया. ऐसे एक प्लेन को मैं यहां बना के दिखाता हूं. ऐसे एक प्लेन को हम बोलते हैं फोकल प्लेन. तो फोकल प्लेन की क्या खास बात है? कि वो फोकस से पास करता है और इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर, फोकस से हमेशा पास करता है. तो ये फोकल प्लेन हो गया और फोकल पॉइंट भी हो गया. फोकल लेंथ भी समझ गए. फोकल लेंथ किसका? डिस्टेंस फोकस का. कहां से डिस्टेंस? पोल से. सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? पोल से. तो फोकल लेंथ, फोकस का डिस्टेंस कहां से? पोल से. अब आते हैं कि हम इमेज कैसे बनाएं. जैसे कॉनकेव में हमसे बोलता है कि ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, एफ पे रखा है, तो इमेज कैसे बनाए? तो उसके लिए कुछ रूल्स चाहिए. तो रूल्स टू ड्रॉ इमेज फॉर कॉनकेव मिरर. फॉर कॉनकेव मिरर आइए रूल समझते हैं. तीन रूल है टोटल. रूल नंबर वन जो अभी अभी आपने पढ़ा है, क्या? कि अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई तो लड़ने के बाद कहां से पास करेगी? फोकस से. अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आई तो लड़ने के बाद कहां से पास करेगी? फोकस से. रूल नंबर टू इसी का उल्टा रूल, इसी का जस्ट उल्टा. एक रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास की, एक रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास की तो लड़ने के बाद पैरेलल हो जाएगी. जस्ट इसका उल्टा. अ रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल. अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस. इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. लाइट की पाथ को कहीं पे भी पलट दो तो पूरा वही रास्ता हुआ लेते हुए वापस जाएगी जिस रास्ते से वो आई थी. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. मैंने रास्ते को पलटा तो पूरा रास्ता पलट गया. और पॉइंट नंबर थ्री विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मान लो ये मिरर है, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की, अगर रे ऑफ लाइट किससे पास की? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की और मिरर से जाके टकराई, तो जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस चली जाएगी. मतलब एग्जैक्टली 180 डिग्री पलट कर चली जाएगी. ये रहा रूल नंबर थ्री. ए ये फोकस मान लो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर.
लाइट किससे पास की, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब जाकर जब ये मिरर से लड़ेगी तो जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस जाएगी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर पार करके गई है तो उसी रास्ते से वापस आएगी। ये तीन रूल हो गए। पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी, फोकस से पास की तो पैरेलल हो जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की तो वापस वैसे ही चली जाएगी। बस तीन रूल हैं, पैरेलल है तो फोकस से, फोकस से तो पैरेलल, और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो जैसे आई थी वैसे ही वापस चली जाएगी। आइए अब इमेज फॉर्म करते हैं, इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन हम कब करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखे। तो हमने रखा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखेंगे और देखेंगे इमेज कहां पे बनेगी, कैसी बनेगी, रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, है ना, कि इरेक्ट बनेगी। लो, 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 चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहां पे एक मिरर रख लिया। अब आपको इसको अगर खुद से करना हो तो खुद से ही करेंगे, पड़ोसी आके आपका काम करेगा नहीं। तो इसको जब आप करेंगे तो कैसे करेंगे, पहली चीज जब आप कॉपी में स्टार्ट करिएगा, पहले तो एक पेंसिल और स्केल जरूर से रखिएगा, और रबड़ ऑफ कोर्स, ठीक है, रबड़, इतनी चीजें होंगी। अब जब आप ये मिरर बनाएंगे बच्चों, तो मिरर को ऐसा मत बढ़ाइएगा वरना आपके आंसर गलत आएंगे, डायग्राम गलत बनेगा। क्यों बनता है, क्योंकि सिलेबस में जितने मिरर हैं वो बहुत छोटे हैं, वो बहुत छोटे हैं। जैसे इसमें से मैं एक छोटा सा मिरर तोड़ूं तो ध्यान से देखो वो सीधा दिखाई पड़ेगा, ये छोटा सा मैंने तोड़ा मिरर, तो करीब करीब कैसा होगा, सीधा। तो आप मिरर सीधा बनाओगे, क्या मेरी बात क्लियर हो रही है, आप मिरर को तेरा मेरा नहीं सीधा बनाओगे। आप कॉपी में कॉनकेव मिरर ऐसे बनाना, लाइन बनाना और इधर से थोड़ा कर्व कर देना ऊपर से नीचे से, ठीक है, बस इतना। ये नहीं कि ऐसे बना रहे हो, मैं ऑल्दो यहाँ पे ऐसे बनाऊंगा क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सीधी लाइन बनानी है तभी ये सारी चीजें होंगी। अच्छा, अब पोल से 2 सेंटीमीटर दूर चूज कर लीजिए फोकस, और फोकस से 2 सेंटीमीटर दूर चूज कर लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब जितनी दूर पे फोकस बनाना उतनी दूर पे यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर, जितना ये डिस्टेंस उतना ये, 2 लेना हो 2 ले लो 4 लेना हो 4 लो जो लेना हो, पर जितना ये उतना ही। अब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड रखा है मैंने, सी के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे ही रखते हैं, इसको बोला ए, इसको बोला बी, इसको बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल। अब किसी भी पॉइंट की इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम 2 रेस चाहिए होती हैं, किसी भी पॉइंट की इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम 2 रेस चाहिए होती हैं। तो मैं इसको और बना लू, मिरर को और बड़ा थोड़ा, तो देखो मैंने भी थोड़ा सा मिरर को सीधा कर लिया। अच्छा, अब इस पॉइंट ए से मैं 2 रेस निकालूंगा। पहली रे मैंने निकाली पैरेलल, तो हमें पता है कॉनकेव में पैरेलल रे कहां से पास करती है, फोकस, कॉनकेव में पैरेलल रे कहां से पास करती है, फोकस। और दूसरी रे क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, दूसरी रे पास कराते हैं फोकस से, फोकस से पास करने के बाद पैरेलल हो जाएगी, तो ये दूसरी रे आई, किससे पास करा दी, फोकस से। आपको ये सारा काम स्केल से करना है, फोकस से। अब ये क्या हो जाएगी, पैरेलल ए, ऐसे हो गई कि नहीं हो गई। पहली रे हमने क्या ली, पैरेलल, तो फोकस से पास की, दूसरी फोकस से पास कराई तो पैरेलल हो गई। अब आपको देखना है ये दोनों रेस कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, रिफ्लेक्टेड रेस, कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रेस कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और उसी जगह पे बनती है इमेज। ये पॉइंट याद रखिएगा, रिफ्लेक्टेड रेस जहां पे मीट करेंगी वहां पे बनेगी इमेज। तो ये रही पहली रिफ्लेक्टेड रे और ये रही दूसरी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पहली वाली आ रही, ये दूसरी वाली, यहां पे मीट की तो ए की इमेज यहां बनेगी, इसको बोलेंगे ए डैश। और इसके जस्ट ऊपर एकदम सीधे में यहां बना लेंगे बी डैश, फिर इनको जोड़ देंगे और जैसी एरो थी वैसे एरो बना देंगे। एक रे पैरेलल लाई फोकस से पास की, एक फोकस से पास की पैरेलल हुई, रिफ्लेक्टेड रेस कहां पे मिल रही हैं, ये वाली गई, ये वाली यहां मिल रही, तो ए की इमेज यहां ए डैश और इसके जस्ट ऊपर, ए के जस्ट ऊपर क्या बना लोगे, बी डैश और जोड़ दोगे और एरो ऐसे बना दोगे। अब आप इमेज के बारे में बात करना स्टार्ट करो कि इमेज कहां बनी, कैसी बनी, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, पोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। पहला पॉइंट, पोजीशन कहां पे बनी है, बिटवीन एफ एंड सी, सो आप बोल दोगे बिटवीन एफ एंड सी। दूसरा पॉइंट, कैसी है, सीधी है कि उल्टी है, उल्टी, उल्टी इमेज को बोलते हैं इन्वर्टेड, क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड, उल्टी इमेज को बोलते हैं इन्वर्टेड, ये सीधा था इमेज उल्टी बन गई। तीसरी चीज, रियल है कि वर्चुअल, रियल है कि वर्चुअल, अगर रिफ्लेक्टेड रेस, अगर रिफ्लेक्टेड रेस रियल में मीट करे
रियल में, मतलब एक्चुअली रियलिटी में मीट करें, कट करें एक दूसरे को, तो इमेज कैसी बनती है? रियल इमेज बनती है। तो यहां पे एक्चुअल में कट कर रही है तो कैसी इमेज बनेगी? रियल इमेज बनेगी। ठीक है, चौथा पॉइंट, इमेज छोटी हुई कि ऑब्जेक्ट से बड़ी हुई? तो देखो ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी, तो हम बोलेंगे डिमिनिश्ड, हम बोलेंगे डिमिनिश्ड। अब एक चीज समझ लो, ये दोनों हमेशा साथ में चलते हैं, जहां पे भी इमेज रियल होगी वहां पे इमेज इन्वर्टेड होगी। ठीक है, टेंशन मत लेना, जहां पे भी रियल वहां पे इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड दिख रहा है। तो ये सारी पोजीशन की हो गई और कैरेक्टरिस्टिक भी हो गया। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे लाएंगे, अभी ऑब्जेक्ट कहां था? बियॉन्ड सी, अब ऑब्जेक्ट को सी पे लेके आएंगे। चलिए, ऑब्जेक्ट एट सी, आप फिर से इसको सीधा बनाइएगा, ये पोल, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जितने डिस्टेंस पे ये, उतने डिस्टेंस पे ये। यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया ए बी। अब ए की इमेज बनाने के लिए ए से दो रेज ले जाएंगे, एक कहां से ले जाएंगे? ए से कैसे ले जाएंगे? पहली रे, बोलो रूल क्या है, एक रे ले लेंगे पैरेलल, पैरेलल रे कहां से पास करती है? फोकस से, बहुत बढ़िया। एक रे क्या करें, फोकस से पास करा ले, लड़के क्या हो जाएगी? पैरेलल। कहीं की भी इमेज बनाने के लिए दो रे चाहिए होती हैं, पहली रे भी पैरेलल कहां से पास की? लड़ने के बाद फोकस, दूसरी पास करा ली फोकस से, फोकस से पास करने के बाद, लड़ने के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल। तो ऐसे लड़ने के बाद हो गई पैरेलल, तो ये बनी इमेज, ए की इमेज यहां, तो ए की इमेज ए डैश, एक रे पैरेलल लाए आप स्केल से करेंगे, और लड़ने के बाद किससे पास करेगी? फोकस से, एक रे फोकस से पास कराई, लड़ने के बाद पैरेलल, आप स्केल लग के ड्रॉ करेंगे, यहां दोनों रेस मीट की, कौन सी रेस देखनी है? रिफ्लेक्टेड रेस, रिफ्लेक्टेड रेस कहां पे मीट कर रही? तो यहां पे मीट कर रही, तो एक ही इमेज यहां बनी ए डैश, और इसके जस्ट ऊपर बना देंगे बी डैश, और ज्वाइन कर दिया, ये बना दिया। तो बात करें इमेज की पोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात पोजिशन, कहां पे बनी है? सी पे ही बनी है, यानी इमेज भी सी पर, जब ऑब्जेक्ट सी पर तो इमेज भी सी पर। दूसरी बात, सीधी है कि उल्टी है? उल्टी है, तो हमने बोल दिया इन्वर्टेड। तीसरी बात, रियल है कि वर्चुअल है? तो रेज सच में मीट की है, रेज सच में क्रॉस की है, सच में क्रॉस की है तो रियल, तो मैं बोल रहा था रियल इन्वर्टेड हमेशा साथ में। चौथी, बड़ी है कि छोटी है कि बराबर है? तो सेम साइज, इट इज ऑफ सेम साइज। आपको पेंसिल और स्केल लेके बनाना है और तब मेजर करेंगे तो कैसी आएगी, एकदम सेम साइज, और रूल्स के हिसाब से चलेंगे, जितनी दूर ये उतनी दूर ये। फिर यहां से एक रे पैरेलल लाए, फोकस से पास की, एक फोकस से पास कराया पैरेलल, जहां पे मिला वहां एक ही इमेज ए डैश, और उसके जस्ट ऊपर बी डैश, और जोड़ दिया। अब इन्वर्टेड क्यों है? क्योंकि उल्टी बनी। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक हुई जब इमेज कहां पे थी, सॉरी ऑब्जेक्ट कहां पे था? सी। अब ऑब्जेक्ट को और बीच में लाएंगे, सी और एफ। देखो ध्यान से हो क्या रहा है, पिछली बार ऑब्जेक्ट यहां था, इमेज यहां आई थी, इस बार ऑब्जेक्ट यहां आया, इमेज यहां आ गई, यानी ऑब्जेक्ट इस तरफ आया, इमेज इस तरफ गई। अब ऑब्जेक्ट को हम यहां रखेंगे बिटवीन सी एंड एफ, तो नेक्स्ट पॉइंट बिटवीन सी एंड एफ, नेक्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ हो, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो, तो ये मैंने मिरर बनाया, देखिए थोड़ा सा कोशिश की सीधा बनाने की, फिर एक लाइन सीधी ली, कहां से पास की? पोल से, यहां से फोकस, और जितनी दूर फोकस बनाया उतनी दूर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रख लिया, सी और एफ के बीच में, इसको बोला ए, इसको बोला बी। अब ए की इमेज बनानी है तो कितनी रेज चाहिए? दो। पहली रे ली पैरेलल, पैरेलल रे कहां से पास करेगी? फोकस से पास कर गई। दूसरी रे कहां से पास करा ले? फोकस से। जो रे फोकस से पास की, लड़ने के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल। ए यहां पे कट की दोनों रे से, तो रिफ्लेक्टेड रेस देखनी है कहां पे मीट की, रिफ्लेक्टेड रेस कहां पर मीट की। आप ये सारी चीजें स्केल से करेंगे, जितनी दूर पे फोकस उतनी दूर सेंटर ऑफ कर्वेचर, बीच में ऑब्जेक्ट, सीधी लाइन खींची पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास की फोकस से, स्केल से खींचा, फिर एक रे यहां लड़ी, किससे पास की? फोकस से, लड़ने के बाद पैरेलल। तो ए की इमेज वहां बनेगी जहां पे रिफ्लेक्टेड रेस मीट की, यहां पे मीट की, तो ये ए की इमेज बन गई ए डैश, और इसके जस्ट ऊपर बी डैश, और दोनों को कंबाइन कर दिया, ये रही इमेज। सो इमेज की पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक
ऑफ इमेज, है ना, पोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। तो पोजिशन कहां बनी है, सी के भी बाहर, तो इमेज बनी बियॉन्ड सी। सेकेंड पॉइंट, इमेज कैसी है, सीधी है कि उल्टी है, साफ साफ दिख रहा है उल्टी है तो कैसी है, इनवर्टेड। तीसरा पॉइंट, रियल है कि वर्चुअल है, रियल है कि वर्चुअल, रियल मतलब जब रेस सच में मीट करें, यहां सच में मीट की है तो रियल। चौथा पॉइंट, छोटी है कि बड़ी है, डिमिनिश्ड है कि मैग्नीफाइड है, तो देखो ये छोटा सा था और इमेज बड़ी सी, मतलब कैसी है, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। अगर ध्यान से देखो तो कुछ हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट यहां रखा था तो इमेज यहां बनी थी छोटी, जब ऑब्जेक्ट यहां आया तो इमेज इसके नीचे बनी बराबर साइज की, जब ऑब्जेक्ट और अंदर आया तो इमेज बाहर चली गई और साइज बड़ी हो गई। ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, इमेज इधर जा रही है और इमेज की साइज लगातार बढ़ती जा रही है, पहली बार बनी थी डिमिनिश, दूसरी बार सेम साइज, इस बार एनलार्ज। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट केस पे, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ से भी आगे बढ़ गया, सबसे पहले सी के बाहर था, फिर सी पे आया, फिर सी और एफ के बीच में आया, अब एफ पे आएगा। तो ऑब्जेक्ट एट फोकस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट एट फोकस। आइए देखें क्या होगा, ये रे ले ली पैरेलल, यहां पे पोल, यहां पे फोकस और उतनी ही दूर सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने फोकस पे ऑब्जेक्ट रख लिया ए बी, अब ए से रे लेके जानी है, तो एक रे मैंने ले ली पैरेलल जो कि कहां से पास करेगी, फोकस से, ठीक है कर गई। अब दूसरी रे कहां से ले जाऊंगे, एक रे पैरेलल आया फोकस से पास की, दूसरी फोकस से कैसे पास कराएं, तो हमने एक तीसरा रूल पढ़ के रखा था, याद है क्या रूल था, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास करेगी रे वो जैसे आएगी वैसे ही वापस जाएगी। पहला रूल लगा लिया, पैरेलल आई तो फोकस से पास की, दूसरा फोकस से पास नहीं करा सकते, तो तीसरे रूल पे गए जो कि बोल रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास करेगी जैसे जाएगी उसी रास्ते से वापस आएगी, तो इस रूल को यूज करेंगे। तो एक रे यहां से ऐसी बनाओ कि वो पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर से मीट कर रही हो, यहां से एक रे ऐसी ड्रॉ करो, ऐसी रे ड्रॉ करो जो पीछे किससे मिल रही हो, पीछे किससे मिल रही हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मीट कर रही हो। अब ये रे ऐसे गई तो मिरर को ऐसा लगेगा कि रे कहां से आ रही, सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करते हुए, मिरर को लगेगा रे कैसे आ रही, सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करते हुए, तो रे जैसे आई है वैसे ही वापस चली जाएगी, जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। अब देखो ये दोनों रेस, रिफ्लेक्टेड रेस, रिफ्लेक्टेड रेस कहां पे मीट कर रही हैं, एक रे पैरेलल आए किसके पास की, फोकस, एक ऐसे ऊपर ले गए और ऐसे ले गए कि पीछे कहां मिल रही हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो मिरर को लगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेस आई, तो जैसे आई वैसे ही वापस लौट गई। अब ये दोनों रेस कहां मिट रही, बच्चों ये दोनों रेस हैं पैरेलल रेस, कैसी रेस हैं, पैरेलल रेस, पैरेलल रेस कहां मिलती हैं, तो आंसर है पैरेलल रेस कहीं नहीं मिलती पर इंफिनिटी पे मिलती हैं। अब इंफिनिटी एक कंसेप्ट है, सोचा हुआ कि दो रेस अगर पैरेलल हैं तो वो कहां मिलेंगी जाके, इंफिनिटी, किसी ने देखा नहीं, सिर्फ ये एक कंसेप्ट है, तो हम बोलेंगे पहला पॉइंट, इमेज एट इंफिनिटी, इमेज कहां बनी है, इंफिनिटी पे। दूसरा पॉइंट, सीधी बनी कि उल्टी बनी, तो सोचो जब ये रेज बहुत दूर कहीं जाके मीट करेंगी, तो यहां एक इमेज ए डैश और ऊपर बी डैश, तो इमेज कैसी बनेगी, इनवर्टेड। बिलीव नहीं हुआ मेरी बात पे, इसके जस्ट पहले क्या हुआ होगा, इसके जस्ट पहले क्या हुआ होगा, जब ऑब्जेक्ट यहां होगा बिटवीन सी एंड एफ, एफ पे पहुंचा नहीं होगा, एफ के पहुंचा नहीं होगा, जस्ट एफ के पहले रखा होगा, तो इमेज कहां बन रही थी, सी के बियॉन्ड, और कैसी, इनवर्टेड। अब ये यहां पहुंच गया तो इमेज कहां चली गई, इंफिनिटी पे, कैसी, इनवर्टेड। तीसरा पॉइंट, रियल की वर्चुअल, रियल, क्योंकि इनवर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है। चौथा पॉइंट, डिमिनिश्ड की इनलार्ज, तो दिख रहा है बड़ी हो गई, तो हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज क्यों बोला, ये रेस बहुत दूर कहीं जाके मीट करेंगी, ये ऐसे जा रही कहीं बहुत दूर मीट करेंगी, तो इमेज बहुत बड़ी बनेगी, तो हाईली इनलार्ज। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, तो याद रखना है कि रेस कैसी हो जाती है, पैरेलल, पैरेलल रेस कहां मीट करती है, इंफिनिटी पे, इमेज कैसी बनेगी, इनवर्टेड और रियल और हाईली इनलार्ज, ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज एट इंफिनिटी, ठीक है। अच्छा तो हो क्या रहा था कि जब हमने ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड रखा था
तो इमेज कहां बन के आई थी, इमेज यहां बनी थी, ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज बिटवीन सी एंड एफ, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। फिर ऑब्जेक्ट जब सी पे आया तो इमेज भी सी पे आ गई, कैसी थी, इन्वर्टेड पर सेम साइज। फिर ऑब्जेक्ट यहां आया बीच में तो इमेज यहां आ गई, इनलार्ज्ड हो गई। फिर ऑब्जेक्ट फोकस पे आया तो इमेज इंफिनिटी पे चली गई। तो इमेज का देखो क्या हो रही है कहानी, एक तो इमेज इधर शिफ्ट होती जा रही है और साइज में बढ़ती जा रही, जब बियॉन्ड सी रखा तो इन दोनों के बीच में छोटी बनी, एट सी रखा तो सी पे ही बराबर बनी, सी और एफ के बीच में आए तो सी के बियॉन्ड बड़ी बनी और एफ पे गए तो हाईली इनलार्ज्ड बनी। अब आखिरी केस पे आते हैं, ऑल्दो ये आखिरी केस नहीं है बट वन ऑफ द वेरी टिपिकल केस आते हैं, जब ऑब्जेक्ट फोकस से भी आगे चला जाए, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, अभी फोकस तक देख लिया, अब कहां बिटवीन एफ एंड पी और आगे बढ़ गए, वेरी इंपॉर्टेंट केस, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सी, यहां रख चुके, यहां रख चुके, यहां रख चुके, यहां भी रख चुके, अब यहां रखेंगे ऑब्जेक्ट, ये रखा, पहली रे पैरेलली, पैरेलल रे कहां से पास करेगी, फोकस से, इसको बोला ए, इसको बोला बी, तो ए से एक रे ले गए पैरेलल, पास की किससे, फोकस से। अब दूसरी रे क्या करें, फोकस से पास नहीं करा सकते, नहीं करा सकते तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएं, ए डॉट 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 जोड़ लो, अब रे को ऐसा ले जाओ जैसे वो कहां से आ रही हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मिरर को देखने में लगे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जैसे आई है वैसे ही वापस लौट जाएगी। अच्छा, अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस कहां मीट करेंगी, रिफ्लेक्टेड रेस कहां पर मीट करेंगी, ये सवाल आया, तो ध्यान से देखो, रिफ्लेक्टेड रेस तुम्हारी डाइवर्जिंग है, दे नेवर मीट, जो पैरेलल होती हैं वो फिर भी माना गया इंफिनिटी पे मीट करती हैं, डाइवर्जिंग रेस कभी मीट नहीं करेंगी, पर जब रिफ्लेक्टेड रेस मीट नहीं करेगी तो हमको इमेज नहीं मिलेगी, इमेज तभी मिलती है जब रिफ्लेक्टेड रेस मीट करें, तो अब रिफ्लेक्टेड रेस मीट नहीं कर रही पर इसको हम मीट करा सकते हैं, कैसे, प्रोड्यूस बैकवर्ड, पीछे की तरफ दोनों को खींचो, एक ये रिफ्लेक्टेड रे, एक ये रिफ्लेक्टेड रे, दोनों को पीछे खींचा तो पीछे की तरफ जाकर दोनों इस पॉइंट पे कहीं मिल गई, तो एक ही इमेज यहां बनी ए डैश और उसके जस्ट नीचे बना लो बी डैश और ये बन गई इमेज, क्या किया, ये रिफ्लेक्टेड रेस डाइवर्जिंग थी, आगे कहीं नहीं मिल रही थी तो मैं इनको पीछे लेके गया अपने आप, और पीछे जहां पे बनी वहां एक इमेज ए डैश और नीचे बी डैश। तो अब इमेज की बात करें तो पहले पोजीशन, तो इमेज कहां बनी है, पहली चीज इमेज बियॉन्ड मिरर बनी है, या बियॉन्ड मिरर या बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर, मिरर के अंदर जाके इमेज बनी, इस बार हर बार मिरर के सामने बन रही थी, अब मिरर के पीछे बन रही है, बिहाइंड मिरर। दूसरी चीज इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, पहली बार इमेज सीधी बनी है, सीधी इमेज को बोलते हैं अपराइट, अप राइट, अप मतलब सीधी और राइट एकदम, या इरेक्ट। तीसरी बात, ये रियल है कि वर्चुअल है, तो रेज एक्चुअली मीट नहीं की, एक्चुअल में रेज मीट नहीं की, हमने उनको मीट कराया, जब हम रेज को मीट कराते हैं, जब हम रेज को मीट कराते हैं तब जो इमेज बनती है उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो इमेज कैसी है, वर्चुअल, ऐसे याद रखो कि अपराइट या इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल, इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल, इन्वर्टेड हमेशा रियल, अपराइट हमेशा वर्चुअल। चौथा पॉइंट, छोटी है कि बड़ी है, तो दिख रही है इनलार्ज, बड़ी है, सो इनलार्ज। तो फाइनल केस में ऐसा हुआ कि इमेज कैसी हो गई, इरेक्ट हो गई। इसके सिवा जितने केस ले रहे थे आपको इमेज कैसी मिल रही थी, रियल इन्वर्टेड। सिर्फ एक केस में ऐसा है जिसमें इमेज क्या मिलेगी, सीधी और वर्चुअल। कॉनकेव मिरर हमेशा क्या बनाता है, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। सिर्फ एक केस में क्या बनाता है, इरेक्ट और वर्चुअल, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी रखा हो तब सेम साइड पे बनती है, सिर्फ एक केस में। अच्छा, तो ये हो गए कॉनकेव मिरर के डिस्कशन। एक लास्ट केस है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, व्हेन लास्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इज एट इंफिनिटी। तो ये मैंने मिरर बना लिया और ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे समझ लिया, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बच्चों इंफिनिटी पे जाकर कौन सी रेज मिलती हैं, पैरेलल। तो इंफिनिटी से कौन सी रेज आती हैं, पैरेलल। पैरेलल रेज कहां जाती हैं, इंफिनिटी को। पैरेलल रेज कहां से आती हैं, इंफिनिटी से। तो इंफिनिटी से कौन सी रेज आएंगी, पैरेलल। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो वहां से कैसी रेज आएंगी, पैरेलल। पैरेलल रेज लड़ने के बाद कहां से पास करती हैं, फोकस। रिफ्लेक्टेड रे कहां पे मिली,
फोकस पे, तो ये बन गई इमेज। फिर से ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी, इंफिनिटी से कौन सी रेज आती है, सिर्फ पैरेलल रेज आती है, पैरेलल रेज मिरर से लड़ी और लड़ने के बाद कहां से पास की, फोकस से, तो हमने बोला इमेज कहां बनी, जहां पे रेज मीट की, तो इमेज एट फोकस, एट फोकस। दूसरी बात, इमेज सीधी बनी कि उल्टी बनी, अब ये सोचना मुश्किल है। अच्छा, रेज सच में मीट कर रही है कि अपीयर टू मीट है, रेज सच में मीट कर रही है मतलब कैसी इमेज है, रियल, और बच्चों रियल है तो कैसी होगी, इन्वर्टेड। फिर बात आई साइज की, तो इमेज की साइज बहुत छोटी है, पॉइंट के बराबर है, तो हम बोलेंगे पॉइंट साइज्ड इमेज, पॉइंट साइज्ड इमेज। तो अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल आएंगी, और पैरेलल रेज कहां से आती है, इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे, और कैसी बनेगी, पॉइंट साइज इमेज। अब पूरी कहानी क्लियर होगी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज कहां बनी, फोकस पे, कैसी बनी, रियल, इन्वर्टेड, पॉइंट साइज। अब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी ले गया इस जगह पे, तो इमेज यहां आ गई थी, ऑब्जेक्ट टू, ये ऑब्जेक्ट वन मान लो, और ये इमेज टू, ये इमेज वन। अब इमेज कैसी बनी, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश। फिर ऑब्जेक्ट को सी पे ले आए थे, ऑब्जेक्ट थ्री, तो इमेज इसके नीचे आ गई थी, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज। फिर ऑब्जेक्ट को यहां ले आए हम, बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज इधर भाग गई, बियॉन्ड सी हो गई, कैसी हो गई, मैग्नीफाइड। फिर ऑब्जेक्ट को फोकस पे ले आए हम, ऑब्जेक्ट को फोकस पे, तो इमेज कहां चली गई, इंफिनिटी पे चली गई। फिर ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड पी, उसको छोड़ दो, अब इतनी चीजें समझो, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से खिसकता हुआ कहां आया, फोकस। इमेज फोकस से खिसकती हुई कहां चली गई, इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस, रियल, इन्वर्टेड, पॉइंट साइज, और इमेज बढ़ती हुई चलेगी। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज एट सी, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बियॉन्ड सी, रियल, इन्वर्टेड, मैग्निफाइड। पहली बार पॉइंट साइज, डिमिनिश्ड, सेम साइज, मैग्निफाइड। ऑब्जेक्ट बिटवीन, ऑब्जेक्ट एट एफ, इमेज एट इंफिनिटी, हाईली मैग्निफाइड। तो इमेज इस तरफ भाग रही है और मोटी बड़ी होती जा रही है, और ऑब्जेक्ट इधर आ रहा। इन सभी केसेस में, यानी इंफिनिटी से लेकर फोकस तक के सारे केसेस में, इमेज रियल बन रही, इन्वर्टेड बन रही। शुरुआत में जब दूर है तो छोटी, जब पास आ गए तो इमेज बड़ी। पर कहीं पे भी इरेक्ट सीधी इमेज नहीं बन रही, सिर्फ एक केस में, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड टी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड टी, सिर्फ इस केस में कौन सी इमेज मिली हमें, इरेक्ट। और इरेक्ट को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल। और साथ में एक ऐसी थी, याद रखना, डिमिनिश्ड, मैग्निफाइड। कैसी आई थी, मैग्निफाइड, इस तरफ जब बनी थी तो बड़ी, मैग्निफाइड। तो कॉनकेव मिरर कौन कौन सी इमेज दे सकता है, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, यस, रियल, इन्वर्टेड, मैग्निफाइड, यस, वर्चुअल, इरेक्ट, वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्निफाइड, यस, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, नो। सिर्फ एक इमेज ये नहीं दे पाता कि सीधी इमेज और छोटी इमेज, फिर से सीधी इमेज और छोटी इमेज ये नहीं दे पाता, इसके सिवा सारी इमेज देता है ये। उल्टे में छोटी चाहिए, मिल गई, उल्टे में बड़ी चाहिए, मिल गई, सीधे में बड़ी चाहिए, मिल गई, उल्टे में छोटी चाहिए, मिल गई, उल्टे में बड़ी चाहिए, मिल गई, सीधे में बड़ी चाहिए, मिल गई, सीधे में छोटी, सीधे में छोटी, इरेक्ट, वर्चुअल, डिमिनिश, ये इसके पास ऑप्शन नहीं है। और ये ऑप्शन किसके पास है, कॉन्वेक्स मिरर के पास। तो यहां से स्टार्ट होता है कॉन्वेक्स मिरर, और कॉनकेव मिरर खत्म हुआ, सारी तरह की इमेज फॉर्मेशन हो गई। इन्फिनिटी से एफ तक आओगे तो इमेज एफ से इन्फिनिटी भागेगी, साइज बढ़ता जाएगा, रियल, इन्वर्टेड, और एफ और पी के बीच में जाओगे तो इमेज बिहाइंड द मिरर और मैग्नीफाइड। अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए पहले हमें कुछ नियम पढ़ने पड़ेंगे, रूल्स टू ड्रॉ इमेज। टेंशन नहीं लेना, कॉन्वेक्स में सिर्फ एक ही केस है, सिर्फ एक केस है, रूल्स टू ड्रॉ इमेज। तो रूल क्या है भाई, वही रूल है, ये बनाया मैंने कॉन्वेक्स मिरर, लाइट इसमें इस तरफ से आएगी, तो रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आई, अगर पैरेलल आई तो वो डाइवर्ज हो जाती है, और डाइवर्जेंट रे जब पीछे लेके जाओ तो फोकस से मीट करती है। देखो कॉन्केव की अगर, सॉरी कॉन्वेक्स की अगर बात करें, अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो स्फीयर ऐसे बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर का स्फीयर ऐसे बनेगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां बनेगा, पोल यहां बनेगा, और फोकस यहां बनेगा पीछे की तरफ, और रेस यहां से आएंगी, ठीक है। तो कॉन्वेक्स का फोकस पीछे होता है, कॉन्केव का आगे होता है, ठीक है।
ये रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल गई तो वो डाइवर्ज हो जाती हैं और ऐसे डाइवर्ज होती हैं कि पीछे कहां से मिले, फोकस से। अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आई तो वो डाइवर्ज हो जाएगी और पीछे वो कहां मिलती है, फोकस पे। तो इसकी फोकस की ये डेफिनेशन भी हो गई। किसी ने कहा फोकस डिफाइन करिए कॉन्वेक्स मिरर का, अ रे ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर डाइवर्जेस एंड द डाइवर्जेंट रेज ऑन बीइंग प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड मीट एट फोकस। ठीक है, और रूल भी हो गया कि पैरेलल रे है तो डाइवर्ज होगी, पीछे कहां मिलेगी, फोकस पे। सो दिस वाज रूल नंबर वन। रूल नंबर टू क्या है बच्चों? रूल नंबर टू इसी का उल्टा होगा। ध्यान से देखें क्या है। इस बार इधर सेंटर बनेगा, ये स्पीयर इधर कंप्लीट हो रहा, ये सी ये एफ। अगर रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ जा रही, ध्यान से सुने, अगर रे ऑफ लाइट कहां जा रही, फोकस की तरफ जा रही, क्या मिरर उसको इधर आने देगा? नहीं, मिरर तो सिल्वर है, रिफ्लेक्ट कर देगा, तो रिफ्लेक्टेड लाइट पैरेलल हो जाएगी। देखो दोनों रूल्स एक दूसरे के उल्टे। अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आई तो डाइवर्ज हो जाएगी, पीछे कहां से मिल रही होगी, फोकस से, ऐसा लगेगा। और अगर रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ जा रही तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तीसरा रूल वही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली कहानी, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लड़ पाएगी? नहीं, रे ऐसे आई, कहां जाना चाहती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाना चाहती है तो जैसे आई है वैसे ही वापस लौट जाएगी। तीनों रूल रिपीट करता हूं, अगर रे पैरेलल आई तो डाइवर्ज करेगी, पीछे कहां से मिलेगी, फोकस से। अगर रे फोकस पे जा रही होगी तो पैरेलल हो जाएगी, और अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही होगी तो पलट के उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। ये तीन रूल हो गए। अब इमेज फॉर्मेशन देखते हैं, तो इसमें बहुत ही सारे केस नहीं है। इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहां रखना है, एट एनी पोजीशन रख लो, ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इंफिनिटी, एक्सेप्ट इंफिनिटी, इंफिनिटी को छोड़ के ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख लो। तो मैंने ये मिरर बना लिया और ये प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, सॉरी इसके दोनों चीजें, वेरी सॉरी, इसकी पोल तो इधर होगा पर सर्किल इधर कंप्लीट होगा, तो ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख लो, जहां तुम्हारा मन हो, सामने कहीं पे भी, भाई इस तरफ तो ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते मिरर के पीछे, यहां तो ब्लैक है, लाइट तो इधर से आनी चाहिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो कहीं पे भी रख लो, जैसे मैंने यहां पे रखा ऑब्जेक्ट। चलो रूल्स बताओ, ए बी, एक रे ले ली पैरेलल, बहुत बढ़िया। अब पैरेलल रे लड़ने के बाद क्या होगी, डाइवर्ज, और ऐसे डाइवर्ज होगी कि पीछे कहां से मिले, फोकस से, यहां से डाइवर्ज होगी पर ऐसे जाएगी कि पीछे कहां से आती हुई दिखे, फोकस से। और क्या करें, दूसरी रे कैसे लें, एक रे ले लेते हैं टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहां जाना चाह रही है ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते पे वापस चली जाएगी ए, ऐसे। अब देखो रिफ्लेक्टेड रेज कहां पे मीट कर रही, रिफ्लेक्टेड रेज कहां पर मीट कर रही, एक रे ये आई डाइवर्ज हो गई, पीछे लग रहा है फोकस से आ रही, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही थी चली गई। अब ये दोनों रेज कहां मीट करेंगी, तो ये दोनों रेज कहीं मीट नहीं करेंगी क्योंकि ये डाइवर्जिंग रेज हैं, ये कहीं मीट नहीं करेंगी। रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली मीट, इसमें रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही। हां पीछे देखो, एक रे ये जा रही, एक ये, दोनों रेज को पीछे बढ़ाने पर, दोनों रेज को पीछे बढ़ाने पर इस पॉइंट पे बन रही है, तो एक इमेज यहां ए डैश, नीचे बी डैश, सीधी इमेज बनी है, रेज सच में मीट नहीं की है, तो वर्चुअल भी है और छोटी भी है। तो इमेज, पहला पॉइंट बिहाइंड मिरर, कहां पे, बिटवीन एफ एंड पी, बिहाइंड मिरर बिटवीन एफ एंड पी, रियल है कि वर्चुअल है, रेज सच में मीट नहीं की, हमने प्रोड्यूस बैकवर्ड किया, मतलब वर्चुअल, ऐसा लग रहा है मीट की है, ऐसा लग रहा है, इट अपियर्स टू मीट, एक्चुअल में मीट नहीं की। तीसरी चीज सीधी है कि उल्टी, सीधी तो इरेक्ट या अपराइट,
तो मैं आपको बता रहा हूं वर्चुअल और ये चीजें साथ में चलेंगी। चौथी पॉइंट, बड़ी है कि छोटी है, छोटी है तो बोला डिमिनिश्ड। यही एक फीचर कॉनकेव नहीं दे पाया था, क्या सीधे में छोटी इमेज, सीधे में छोटी इमेज, इसने दी सीधे में छोटी। तो कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ एक इमेज बनाता है सीधी छोटी, और इसके सिवा सारी इमेज कौन बनाता है? कॉनकेव मिरर। सीधी इमेज छोटी अगर बनी, सीधी इमेज छोटी अगर बनी तो कौन बनाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। सीधी इमेज छोटी बनी तो कौन बनाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। इसके सिवा कोई भी क्वेश्चन आएगा कि किसने इमेज बनाई है तो कॉनकेव। रियल इमेज तो ये बनाता ही नहीं है। अब कहीं पे भी ऑब्जेक्ट ले जाओ, इमेज हमेशा इसी के बीच में रहेगी और हमेशा ही करके से ऑब्जेक्ट एट एनी पोजिशन एक्सेप्ट इंफिनिटी, इसको करके देख लो। अच्छा भाई, तो ये हो गया जो केस कॉन्केव से छूटा वो कॉन्वेक्स ने बनाया। लास्ट केस, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ठीक है, ये भी कर लेते हैं। ये बोल इस तरफ फोकस, इस तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इंफिनिटी से कैसी रेज आती हैं? पैरेलल, और यहां से भी पैरेलल। अब पैरेलल रेज यहां से लड़कर डाइवर्ज होती हैं और पीछे ऐसा लगता है कहां से आ रही? फोकस से आ रही, डाइवर्ज, और ये भी डाइवर्ज, और पीछे ऐसा लग रहा कहां से आ रही? फोकस से आ रही। तो तुम ध्यान से देखो रिफ्लेक्टेड रेज कहां मीट कर रही? इंफिनिटी से पैरेलल रेज आई, ये रिफ्लेक्टेड रेज, ये आगे जाके कहीं मीट नहीं करेंगी, मतलब इस बार भी एक्चुअली मीट नहीं करेंगी। तो हमने इनको प्रोड्यूस बैकवर्ड किया और ये फोकस पे मीट की। तो रिफ्लेक्टेड रेज कहां पे मीट की? रिफ्लेक्टेड रेज फोकस पे मीट की, और रियल में मीट नहीं की, हमने प्रोड्यूस किया। तो इमेज कहां बनी? पहला पॉइंट, इमेज बनी एट फोकस। दूसरा पॉइंट, रियल है कि वर्चुअल है? तो वर्चुअल है, क्योंकि डैश लाइन है, पीछे प्रोड्यूस करना पड़ा। तीसरा पॉइंट, सीधी है कि उल्टी? अब दिख नहीं रहा, अब दिमाग। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी बनती है? इरेक्ट या अपराइट, हमेशा सीधी बनती है। और चौथा पॉइंट, छोटी है कि बड़ी? बहुत छोटी, बहुत छोटी, पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज्ड। अभी इमेज कैसी बनी है? वर्चुअल, इरेक्ट, पॉइंट साइज, मतलब सीधी। इरेक्ट मतलब सीधी, पॉइंट साइज, सीधी में छोटी, सीधी में छोटी कौन बना सकता है? सीधी छोटी कौन बनाता है? कॉन्वेक्स मिरर। इसके सिवा सारी इमेज कौन बनाता है? कॉनकेव मिरर। सीधी बड़ी, कॉनकेव, उल्टी बड़ी, कॉनकेव, उल्टी सेम साइज, कॉनकेव, उल्टी छोटी, कॉनकेव। समझ में आया? सिर्फ ये क्या बनाता है? इरेक्ट, डिमिनिश्ड। कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ इरेक्ट और डिमिनिश्ड। तो ये सारे रूल्स थे सारी। हेलो बच्चों लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना क्या है। तो जब लाइट होती है और वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट अपना रास्ता चेंज कर देती है। देयर इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट रे, देयर इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम। मतलब लाइट इज ट्रेवलिंग इन वन मीडियम तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे चलेगी? स्ट्रेट लाइन में बढ़िया एकदम मस्त ऐसे चलती रहेगी। पर अगर लाइट का मीडियम बदल जाए, यानी लाइट एक मीडियम से दूसरे में चले जाए, तो लाइट अपना रास्ता तुरंत चेंज कर देती है, बेंड हो जाती है। कैसे बेंड होती है? पहले हमने देखा लाइट गई रेयरर से डेंसर मीडियम। रेयरर मतलब जो थोड़ा खाली मीडियम हो, डेंसर जो भरा हुआ मीडियम हो। तो रेयर मीडियम हमने लिया एयर और डेंसर मीडियम लिया वाटर, और लाइट जा रही है एयर से वाटर, तो किधर बेंड होगी? बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब लाइट ऐसे जाती अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट का पाथ ये होता कि नहीं सीधे। पर अभी मीडियम चेंज होने से लाइट की बेंडिंग होगी। कैसे बेंडिंग होगी? सबसे पहले इस सरफेस पे, कहां पे? सरफेस पे आप नॉर्मल बनाइए। क्या बनाइए? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर। क्या? परपेंडिकुलर। तो इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे हमें परपेंडिकुलर बनाना है। तो ऐसा सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर ऐसा होगा, तो हमने ये बनाया और इसको बोला नॉर्मल, विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। नाउ लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट ऐसा जाता विदाउट एनी डेविएशन, कोई फर्क नहीं पड़ा। पर मीडियम चेंज होने से लाइट की बेंडिंग होगी, और किस तरफ? टुवर्ड्स नॉर्मल। ये है नॉर्मल, लाइट ऐसे नहीं जाके नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, ऐसे। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये रिफ्रैक्शन के बाद आई तो इसको बोला रिफ्रैक्टेड रे।
ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो थोड़ी सी बेंडिंग आ जाती है, अपनी पाथ चेंज कर लेती है। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट ऐसे जाती है, और क्योंकि मीडियम चेंज हो गया तो लाइट बेंड हो गई, और रेयर से डेंसर तो किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। दूसरा केस, लाइट जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाए, मतलब ऊपर एक भारी मीडियम हो जैसे मान लो ऊपर वाटर है और नीचे एक रेयर मीडियम है जैसे मान लो एयर है। अब ये लाइट आई, सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा नॉर्मल। बच्चों ये सरफेस, इस सरफेस के नॉर्मल ऐसे परपेंडिकुलर, तो ये बन गया नॉर्मल। अब डेंसर से रेयर में लाइट कैसे बेंड होती है, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट ऐसा जाता, पर मीडियम चेंज होने से लाइट बेंड हो जाएगा किस तरफ, नॉर्मल से दूर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है, इससे दूर भाग गई लाइट, ऐसे ऐसे जानी चाहिए थी पर नॉर्मल से दूर बेंड हो गई। इसको बच्चों फिर से बोलेंगे कौन सी रे, इंसिडेंट रे, और इसको रिफ्रैक्टेड रे। ये एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कहां से, नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे का। तो पिछली बार आप देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा हो गया, और इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है। तो दो तरह के फिनोमेना है, रेयर से डेंसर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। एक तीसरा केस भी है, व्हेन देयर इज नो बेंडिंग ऑफ लाइट, चाहे लाइट रेयर से डेंसर जाए, चाहे डेंसर से रेयर जाए, चाहे रेयर से डेंसर, चाहे डेंसर से रेयर, लाइट की कोई बेंडिंग नहीं होगी। कैसे, अभी तो आप कह रहे थे बेंड होगा, जब नॉर्मल इंसिडेंस हो, नॉर्मल इंसिडेंस मतलब ऐसे इंसिडेंट रे ऐसे हो, एकदम बढ़िया एकदम मस्त। व्हाट इज दिस, दिस इज इंसिडेंट रे। अब इस सरफेस पे हम नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर, ए ऐसे बना, क्या बन गया ये, क्या बन गया नॉर्मल। अब देखो इंसिडेंट रे भी यही, नॉर्मल भी यही, तो इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, जीरो। ये देखिए ये इंसिडेंट रे और इसी के ऊपर क्या बन गया, नॉर्मल। सो दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज इंसिडेंट रे, इन दोनों लाइन के बीच में कितना एंगल है, जीरो, पैरेलल लाइन है, एक साथ जा रही है, एक के ऊपर एक है, इनके बीच में कोई एंगल नहीं। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो तो लाइट ऐसे पास कर जाएगी, कैसे, विदाउट एनी बेंडिंग, विदाउट एनी बेंडिंग, एकदम सीधी निकल जाएगी विदाउट एनी बेंडिंग, वेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो। अब की बार ये बन गई क्या, रिफ्रैक्टेड रे, और यहीं पे क्या है, नॉर्मल, मतलब रिफ्रैक्टेड रे भी इसी लाइन पे है, नॉर्मल भी इसी लाइन पे, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो। So these are the three cases of bending of light. अब इसको जरा हम apply करें, rarer to denser, towards the normal, denser to rarer, away from normal, और no bending, जब कैसा incidence हो, normal. आइए एक example ले लेते हैं इसका, एक example ले लेते हैं। मान लीजिए ये एक glass से बना rectangular slab है, glass slab, अंदर glass है और बाहर air, और यहां भी air, ये glass. तो ग्लास बच्चों कैसा मीडियम होगा, भारी मीडियम है, डेंसर, और एयर कैसा होगा, रेयर। ये एक रे ऑफ लाइट आया, अब हम यहां पे क्या बनाएंगे, नॉर्मल, मतलब इस सरफेस के परपेंडिकुलर, लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। फिर यहां पर स्ट्राइक किया, फिर एक सरफेस है, अब की लाइट कहां से कहां जा रही, डेंसर से रेयर जा रही, यहां पे फिर बनाया मैंने नॉर्मल, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब डेंसर से रेयर में लाइट किधर बेंड होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये नॉर्मल है, इससे दूर भागता हुआ, अवे फ्रॉम नॉर्मल। जैसे एक और केस ले लें हम, हमारे पास ये एक ग्लास प्रिज्म है, क्या है, ग्लास प्रिज्म है, ठीक है, अब अंदर ग्लास, ग्लास बाहर एयर, एयर, सो एयर इज रेयर and glass is denser and air is again rarer. ये एक ray of light आया, strike किया, अब यहां पे अपन क्या बनाएंगे, normal. अब देखो ये surface है ऐसा, इस surface के perpendicular बनाना है, इस surface के perpendicular, तो इस surface के perpendicular ऐसा होगा, इस surface से 90 degree पे, दिख रहा है, perpendicular.
Now light is going from rarer to denser. It will bend towards the normal. Normal की तरफ. ऐसे जानी चाहिए थी light को. बिना किसी deviation के चली जाती. पर क्योंकि medium change हुआ है, तो it will bend towards the normal. ये देखिए ऐसे ना जाके towards the normal. फिर एक surface आया. अब इस surface पे क्या बनाना है? Normal. ऐसा surface है. इसके normal देखिए. ऐसा बनेगा. ये surface और इससे 90 degree पे. देखा? अब देखिए light कहाँ से कहाँ जा रही? Denser से rarer. Denser से rarer तो bends away from normal. मतलब ऐसे जानी चाहिए थी, पर normal से दूर भाग जाएगी तो इस तरह से. तो इस तरह से light की कुछ bending होती है, और एक special case में bending नहीं होती, जब ऐसा surface हो और light ऐसे incident हो, जब angle of incidence 0 degree हो. अब अगले video में आपको बताएंगे हम कि refractive index क्या चीज़ होती है. हाँ बच्चों, आज हम बात करेंगे refractive इंडेक्स की. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका सिंबल है म्यू और कई लोग इसका सिंबल लिखते हैं एन. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है हमको? जैसे मान लो कोई मीडियम रेरर है. रेरर मीडियम क्या होता है? जिसमें लाइट धीमे धीमे चले. रेरर मतलब खाली है मीडियम, तो लाइट को ज्यादा लड़ना भिड़ना नहीं पड़ रहा, तो लाइट सीधे चली गई. रेरर एकदम रेयर, खाली सा मीडियम. तो रेरर मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट फास्ट हो, लाइट ट्रेवल्स फास्टर. और डेंसर मीडियम, डेंसर मतलब डेंसिटी ज्यादा हो, मतलब भरा हुआ मीडियम हो, हर तरफ मॉलिक्यूल्स हो, तो लाइट को रास्ते में ज्यादा लड़ना पड़ेगा, तो लाइट धीमे धीमे चलेगा. सो इन अ डेंसर मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज स्लो. तो ये जो डेंसिटी है, ये वो वाली डेंसिटी नहीं है जो मास में हम लोग पढ़ते थे. ये एक नई तरह की डेंसिटी है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी. क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल. ऑप्टिकल मतलब किसके लिए? लाइट के लिए. क्या डेंसिटी है? ऑप्टिक्स. तो लाइट की डेंसिटी को हमने बोला ऑप्टिकल डेंसिटी, और इसी का दूसरा नाम रखा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस चीज का मेजर है कि कौन सा मीडियम कितना ज्यादा डेंस है. जितना ज्यादा मीडियम डेंस होगा, स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होगी. ठीक है, जैसे हमने बोला किसी मीडियम की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो और कौन सी डेंसिटी? ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? कम होगी. तो जितनी ज्यादा डेंसिटी उतनी कम स्पीड ऑफ लाइट. तो ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर किससे करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से. तो हमने बोला कि ये जो म्यू सिंबल है किसका है? ऑप्टिकल डेंसिटी का. या यही सिंबल किसका है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. अब जितनी ज्यादा म्यू की वैल्यू उतनी ज्यादा डेंसिटी. म्यू है क्या? ऑप्टिकल डेंसिटी. तो म्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा, डेंसिटी उतनी ज्यादा, मतलब मीडियम उतना डेंस. और जितना डेंस मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में उतनी कम हो जाएगी. तो म्यू जितना ज्यादा, स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम. मतलब हम ये बोलेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल डेंसिटी या म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. ठीक है, अब हमने यहां पे एक एग्जांपल लिया जिसमें लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रहा है. फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड है v1 और सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड है v2. फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2. अब हम अगर पूछें कि μ2 अपॉन μ1 की क्या वैल्यू होगी, तो μ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, उल्टे उल्टे प्रोपोर्शनल है. यानी μ2 के सामने v1 आएगा और μ1 के सामने v2 आएगा. सो μ2 विथ रिस्पेक्ट टू μ1 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम. उल्टा उल्टा हो जाएगा. अब इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. सेकेंड मीडियम किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट मीडियम से. फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम कितने गुना भारी है, कितने गुना डेंस है, क्या वैल्यू बनेगी? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम. इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट
टू विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और इसका मतलब म्यू टू अपॉन म्यू वन। अच्छा, सेकेंड की विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ली तो स्पीड ऑफ लाइट उल्टा हो गया, वी वन अपॉन वी टू। ठीक है, तो ये चीज हमें बताएगी कि लाइट दूसरे मीडियम में जाकर कैसे अपनी स्पीड को चेंज कर लेगी, कैसे अपनी स्पीड को चेंज कर लेगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम पूछें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर की क्या वैल्यू होगी, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, उल्टे उल्टे लिख दिया। अब एयर में 3×10⁸ और ग्लास में 2×10⁸ कैंसिल हो गया, कितनी वैल्यू आई, 3/2, या हम लोग बोल सकते हैं 1.5। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रिस्पेक्ट में, एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5। अब इस लाइन से दो मीनिंग निकल रही है, पहली चीज ग्लास एयर से कितना ज्यादा डेंस है, 1.5 टाइम्स, और जितना ज्यादा डेंस होगा उतनी कम स्पीड ऑफ लाइट, मतलब स्पीड ऑफ लाइट जब एयर से ग्लास में जाती है तो कम हो जाती है, क्योंकि ग्लास कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, और कितने गुना कम होती है, 1.5 टाइम्स, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बता रहा है मीडियम कितने टाइम्स डेंस है या स्पीड ऑफ लाइट कितने टाइम्स कम हो जाएगी एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। यहां से यहां जाने पे स्पीड ऑफ लाइट कम हुई, कितने गुना कम हुई, 3/2, 1.5, और मीडियम यहां से यहां जाने में कैसा हुआ, डेंस हुआ, ग्लास कितने गुना ज्यादा डेंस है, 1.5 टाइम्स। तो ये मीनिंग होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्नेल्स लॉ और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं। बच्चों आज हम आपसे बात करेंगे कि स्नेल्स लॉ क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना होता है उसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और जाते वक्त बेंड हो जाती है, तो किस लॉ को फॉलो करते हुए लाइट बेंड होगी। जैसे मान लीजिए यहां पे एक रेयरर मीडियम है और नीचे एक डेंसर मीडियम है, तो हमें पता है लाइट जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो बेंड किधर होती है, किधर होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो हम यहां पे आके रे को स्ट्राइक कराए और यहां पे हमने बनाया नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब ये लाइट किधर बेंड होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। इसको हमने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको बोला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। ये देखिए प्लेन सरफेस है, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये इंसिडेंट रे। पिछले दो वीडियोस के लिंक देखिए दिए हुए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, वहां से जाके उसको देख लीजिए। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो किस लॉ को ये फॉलो करते हैं, किस हिसाब से इसकी बेंडिंग होती है। तो इसका ऐसा करने के लिए हमने एक काम किया कि लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया, देखिए बढ़ गया ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, बड़ा सा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोल दिया I1। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो गया और बन गया R1। फिर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को कम कर दिया, ऐसा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कम हो गया ऐसा। तो अगर ये मीडियम फिक्स है बच्चों, फिक्स है मतलब जैसे मान लो ये कोई मीडियम 1 और ये कोई मीडियम 2 फिक्स करके रखा, तो इस टाइम क्या रेशियो होगा या क्या रिलेशन होगा आई और आर का। तो इसको बहुत ढूंढा तो स्नेल जो थे ना, स्नेल अंकल ने एक बड़ा अच्छा लॉ दिया, एक अच्छी चीज समझाई हमें कि आप कितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर लो, छोटा कर लो, बड़ा कर लो, ऐसा कर लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर से चेंज हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो गया, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फिर से चेंज हो गया। आप कितना भी चेंज कर लो, एक चीज है जो कभी चेंज नहीं होगी, जब तक मीडियम चेंज ना हो तब तक एक कोई ऐसी चीज है जो चेंज नहीं होगी, वो चीज है बच्चों द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस विल रिमेन कॉन्स्टेंट
कब तक कांस्टेंट रहेगा? अनटिल मीडियम रिमेन्स सेम. जब तक अपन दो मीडियम को सेम रखेंगे तब तक साइन आई बाई साइन आर का रेशियो सेम रहेगा. मतलब आई को चेंज करने पे आर तो चेंज होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हुआ, पर ये जो रेशियो है साइन आई बाई साइन आर ये चेंज नहीं होगा. मतलब साइन आई बाई साइन आर पहले वाले केस का इज इक्वल टू साइन आई वन अपॉन साइन आर टू, दूसरे वाले केस का इज इक्वल टू इसको हम थ्री थ्री बोल दें तो साइन आई थ्री अपॉन साइन आर थ्री. ये जो रेशियो है ये क्या रहेगा बच्चों? कॉन्स्टेंट रहेगा जब तक ये गिवन मीडियम कॉन्स्टेंट है. यही स्नेल्स लॉ है. क्या लिखेंगे स्नेल्स लॉ को हम? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेन्स कॉन्स्टेंट अंटिल मीडियम रिमेन्स सेम. जब तक ये दोनों मीडियम सेम रहेंगे तब तक ये रेशियो फिक्स रहेगा. जैसे मान लीजिए यहां पे हमने इसको कर दिया 20 डिग्री, ये आ गया मान लीजिए 10 डिग्री, इसको चेंज कर दिया हमने मान लीजिए कुछ 30 डिग्री, ये चेंज होके हो गया कुछ 22 डिग्री, है ना. तो ऐसे ही हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं. तो साइन 20 अपॉन साइन 10 विल बी इक्वल टू साइन 30 अपॉन साइन 22. मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, एक आपको एग्जांपल दे रहा. तो ये है स्नेल्स लॉ. ठीक है, तो स्नेल्स लॉ में सिर्फ इतना ही बताया था. जैसे कई बच्चे बता रहे हैं कि स्नेल्स लॉ में साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो स्नेल्स लॉ का फर्दर डेरिवेशन है. ठीक है, अभी अपन को इतना ही समझना है कि जैसे मान लो हम यहाँ पे वाटर ले लें और यहाँ पे एयर ले लें, मीडियम फिक्स हो गए. अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते चले, एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते चले. यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लीजिए एक्स लिया, यहाँ पे वाई लिया. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ मान लीजिए ए है, यहाँ बी है. तो क्या रिलेशन होगा इनके बीच में? तो रिलेशन होगा साइन एक्स अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू साइन वाई अपॉन साइन बी. द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर द मीडियम रिमेनिंग सेम. ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये साइन आई बाई साइन आर क्यों कॉन्स्टेंट है और किस चीज के इक्वल है. आज हम आपसे ये बात करेंगे कि जब लाइट ग्लास स्लैब से पास करती है तो कैसे बेंड होती है और कौन कौन से फिनोमेने होते हैं. तो यहां पे हमने एक ग्लास स्लैब बना लिया. ठीक है, ये कौन सा मटेरियल है? एक ग्लास है और उसका रेक्टेंगुलर स्लैब है और लाइट हमने यहां पर इंसिडेंट की. तो ये एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है. मोनोक्रोमैटिक मतलब मोनो मतलब सिंगल, क्रोमैटिक मतलब कलर. मतलब सिंगल कलर की लाइट को हमने ग्लास स्लैब पे इंसिडेंट किया. इस जगह पे हम बनाएंगे नॉर्मल, ये बनेगा नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, इसको बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब देखिए बाहर एयर है अंदर ग्लास है, मतलब ये रेरर मीडियम और ग्लास डेंसर मीडियम. तो जब लाइट रेरर से डेंसर में जाती है तो किधर बेंड करती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल. रेरर टू डेंसर किधर? टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो लाइट ऐसे ना जाकर, ऐसे ना जाकर, ये जाने की इसका रास्ता था लाइट का, ऐसे इसको जाना चाहिए था, ऐसे ना जाकर बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई और ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. फिर लाइट दूसरे सरफेस पे स्ट्राइक की और यहां पे फिर हमने कंस्ट्रक्ट किया नॉर्मल. अब आप ध्यान से देखिए ये एंगल आर, तो ये एंगल भी कितना होगा आर. हाँ, ये दिखाई पड़ रहा है ऐसे, ये एंगल आर तो ये एंगल आर ऐसे होता है, ये एंगल आर तो ये एंगल आर. अब इसी को पलट कर ऐसे रख दीजिए, इसी को पलट कर ऐसे रख दीजिए, दिखाई पड़ रहा है तो ये एंगल आर तो ये भी आर. अब लाइट ग्लास से जा रही है एयर में, मतलब डेंसर से रेरर मीडियम में. जब लाइट डेंसर से रेरर मीडियम में जाती है तो बेंड होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागती है. तो लाइट नॉर्मल से अवे बेंड हुई इस तरह से, कुछ ऐसे जानी चाहिए थी, कुछ ऐसे बेंड हो गई.
अवे फ्रॉम नॉर्मल, लाइक वैसे जाना चाहिए था, बेंड हो गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब एक बड़ा खास फिनोमेना हमने देखा कि ये एंगल जो है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। इमर्जेंस कैसे इमर्ज की, एंगल ऑफ इमर्जेंस। हमने एक बड़ा खास फिनोमेना देखा कि एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस के एकदम बराबर आया, आई इज एग्जैक्टली इक्वल टू ई। ऐसा होने से ये लाइट रे और ये लाइट रे आपस में पैरेलल हो गई। मतलब अगर स्लैब ना होता तो लाइट इस रास्ते से जाती और स्लैब के होने की वजह से लाइट इस रास्ते से गई, पर अभी भी जो इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे, वो अभी भी इंसिडेंट रे के पैरेलल है। मतलब ग्लास रे ऑफ लाइट को सिर्फ और सिर्फ पैरेलल शिफ्ट करता है। क्या करता है? पैरेलल शिफ्ट। इस रे ऑफ लाइट को दबाया, फिर इधर घुमा दिया, लाइट पैरेलल शिफ्ट हो गई। ग्लास नहीं होता तो लाइट ऐसे जाती, ग्लास है तो ऐसे। सो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये हमें किसमें देखने को मिलता है? ग्लास स्लैब में। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल मतलब, लेटरल मतलब लेंथ के, लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पैरेलल शिफ्ट कर दिया। तो ये एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमें मिला। कितना लेटरल डिस्प्लेसमेंट है? डायग्राम में दिख रहा है लाइट ऐसे जानी चाहिए थी पर ऐसे निकल गई, इतना शिफ्ट हो गई। इतनी लेंथ को हम बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये जो लेंथ है, इस लेंथ को बोल दो एल, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जब ग्लास स्लैब में होता है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स जिन पे ये डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड करता है, इस बारे में बात करें। इसको हम क्या लिखेंगे? व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट? व्हेन अ लाइट रे पासेस थ्रू अ ग्लास स्लैब देन द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड बट लेटरली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट और पैरेलली शिफ्टेड फ्रॉम इट। इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट? द डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब बात आई कि ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो हम बोलेंगे जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। दूसरी चीज ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पे। अब ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितनी ज्यादा, लाइट उतना ज्यादा बेंड होगी, जितना बेंड होगी उतना शिफ्ट होगी। मतलब जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तीसरी चीज ये डिपेंड करता है थिकनेस पे। आप जितना बड़ा ग्लास ले लोगे, जितना बड़ा ग्लास ले लोगे शिफ्टिंग उतनी ज्यादा हो जाएगी। सो मोर इज द थिकनेस ऑफ स्लैब मोर इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और जितनी ज्यादा थिकनेस, थिकनेस ये है थिकनेस, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब उतनी ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि अलग अलग कलर ऑफ लाइट को अगर हम ले तो सबसे ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट कौन से कलर ऑफ लाइट का होगा। तो इसको याद रखिएगा कि वायलेट कलर का लेटरल डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा, वायलेट हैज मैक्सिमम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायलेट की वेवलेंथ, ये आप स्पेक्ट्रम में पढ़िएगा कि वायलेट की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है, मिनिमम। जितनी छोटी वेवलेंथ उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक चौथा फैक्टर भी है जिसको मैं यहां लिख रहा हूं, वेवलेंथ जितनी छोटी लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा। तो आई एन टी पे सीधा सीधा बढ़ाने पे बढ़ेगा और वेवलेंथ कम करने पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। सो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, ग्लास स्लैब के अंदर होता है सबसे ज्यादा वायलेट कलर के लिए। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ रे ऑफ लाइट। और ये उनके फैक्टर्स।
हेलो बच्चों, कैसी चल रही है तैयारी? आज हम बात करेंगे लेंसेस की, स्फेरिकल लेंसेस। तो बच्चों, लेंसेस क्या चीज होती है? अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग एंड व्हाट यू कैन से अ मीडियम। लेंस एक ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब लाइट उसमें से ट्रेवल कर सकता है, लाइट उसके अंदर से जा सकता है। रिफ्रैक्टिंग मतलब लाइट बेंड होगा, क्या होगा? लाइट बेंड होगा, लाइट उसमें से पास भी करेगी और लाइट बेंड भी करेगी, और वो एक मीडियम है। क्या है एक मीडियम? मतलब अपन ग्लास का बना सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लास हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, अब तो पॉलीमर्स के लेंस चल गए हैं। तो लेंस अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड by one curved surface, बस that's it। एक सरफेस curved होना जरूरी है। जैसे देखिए, ये एक लेंस है, एक ऐसा, इसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। तो ये भी कर्व और ये भी कर्व, और जैसे ये एक लेंस है, एक सरफेस कर्व है और एक सरफेस प्लेन है, तो एक सरफेस हमेशा कर्व होना चाहिए। जैसे देखिए, ये भी एक लेंस है, प्लेनो कॉनकेव लेंस, अभी पढ़ेंगे आगे। तो ये भी कैसा लेंस हुआ? एक वन कर्व सरफेस एंड वन प्लेन सरफेस। तो बच्चों, बेसिकली दो तरह के लेंस होते हैं, है ना? हम लोग पढ़ते हैं ना, दो तरह के लेंसेस, एक कॉनकेव लेंस और एक कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस ये होते हैं, देखो एक ऐसे वाले, जो कौन से? कॉन्वेक्स, जो मिडिल में, बीच में, मतलब थिक हो, कैसे हो? मोटे हो, और जो कॉर्नर्स में थिन हो, पतले हो जाए, उनको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। इनको बच्चों कन्वर्जिंग लेंस भी समझते हैं। कौन सा? कन्वर्जिंग मतलब लाइट को ये कन्वर्ज करेंगे, कन्वर्ज मतलब ऐसे दबा देंगे, मतलब लाइट ऐसे आएगा, ये लाइट को ऐसे दबा देंगे, लो कन्वर्ज कर देंगे। और दूसरे होते हैं बच्चों ये लेंस, इनको अपन बोलते हैं कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव, ये देखो मिडिल में थिन होंगे, मिडिल में थिन, तो कॉन्वेक्स मिडिल में थिक, कॉनकेव मिडिल में थिन, पतले हो गए। और इनको बच्चों हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। डाइवर्जिंग, डाइवर्ज मतलब क्या? जहां से रोड ऐसे डाइवर्ज हो जाए, मतलब लाइट ऐसे आएगा, इसको ये फैला देगा, लाइट को, लाइट को स्प्रेड कर देगा, क्या कर देगा? डाइवर्ज। तो दो तरह के लेंस हैं, अपन कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस समझते हैं। तो बच्चों, ये मैंने बना लिया एक कॉन्वेक्स लेंस, सही है, ओके। इसको बच्चों बाई कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। बाई क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है, इधर से भी कॉन्वेक्स, इधर से भी कॉन्वेक्स, ओके? अब इस लेंस का जो सेंटर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अपन बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर इस इंस्ट्रूमेंट का सेंटर, इसको डिनोट करेंगे सिंबल ओ से। अच्छा, अब ये सरफेस देखो लेंस का, एक स्फीयर से बना हुआ दिख रहा है ये, और ये वाला सरफेस दूसरे स्फीयर से। तो लेंस के दो सरफेस कहां आए हैं? दो स्फीयर से आए। अब इस स्फीयर का जो सेंटर है, इसको मैंने बोला C1, और इस स्फीयर के सेंटर को बोला C2, एंड C1 एंड C2 आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लेंस में कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे? दो, एक इस सरफेस का, एक इस सरफेस का। अब मैंने एक लाइन बनाई जो C1, C2 और O को ज्वाइन कर दी, दिस लाइन joining C1, C2 and O, and this line is called principal axis. Principal axis, the main axis is the joint center of curvature with optical center. Now there are two things that have to be understood about convex lens. दो बड़ी अच्छी बातें हैं। पहली बात, अगर ये convex lens है बच्चों, और अगर एक ray of light इसके ऑप्टिकल सेंटर पे पड़ी, तो ये चली जाती है बिना किसी डेविएशन के, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लाइट जैसे जा रही थी वैसे ही चली गई, जैसे एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, और कहां से पास की? ऑप्टिकल सेंटर से। ये क्या है इसका? ऑप्टिकल सेंटर। तो यहां से पास कर गई जैसी आ रही थी वैसे ही, मतलब अनडेविएटेड, लाइट बेंड नहीं हुई, ऑप्टिकल सेंटर से पास की तो जैसी आ रही थी वैसे ही चली गई। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे पासेस हाउ? अनडेविएटेड, विदाउट एनी डेविएशन, ओके। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सपोज दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस,
और एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे ऑफ लाइट आ रही है इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ऐसे ऐसे, एक इधर से आई एक इधर से, तो ये रे ऑफ लाइट लेंस में जाने के बाद बेंड हो जाती है, एक ऐसे बेंड हो गई और कहीं यहां से पास की इसी पॉइंट से, फिर हम एक और रे लाए पैरेलल, ये भी पास की तो इसी पॉइंट से, ओहो, फिर हम एक और रे पैरेलल लेके आए, ये रे भी इसी पॉइंट से पास की, फिर हम एक और रे पैरेलल लेके आए ऐसे, ये लाइट भी इसी पॉइंट से, मतलब जितनी पैरेलल रे लाओगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो लेंस पे लगने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही है, और ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, क्या बोलते हैं फोकस, सिंबल है एफ। सो व्हाट इज द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस क्या फोकस है उसका, कि जब एक पैरेलल रे ऑफ लाइट आई, पैरेलल रे ऑफ लाइट आई तो लेंस से लगने के बाद एक ही पॉइंट पे मिलेगी प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे यहां से पैरेलल लाऊं, यहां से पैरेलल लाऊं, यहां से लाऊं, सब कहां मिलेंगी, एक ही पॉइंट, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, या बेटर बोलूं तो सेकंड फोकस, क्या बोलते हैं सेकंड फोकस, या इसी को बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल फोकस, कौन सा फोकस प्रिंसिपल, मतलब यही है, जो है वो यही है, यही फोकस है, सेकंड फोकस इज द थिंग व्हिच यू हैव टू वरी अबाउट, कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आई तो पास करने के बाद कहां से मिलेगी, एक पॉइंट होगा प्रिंसिपल एक्सिस पे जिसको हम बोलेंगे फोकस, सेकंड फोकस या प्रिंसिपल फोकस। और दूसरा पॉइंट क्या बताया इंपॉर्टेंट, कि एक रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास की तो पास करेगी अनडेविएटेड, बस ये दो पॉइंट पकड़ के हम लोग सारी चीजें समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और टर्म समझते हैं बच्चों, जैसे मैंने यहां पे एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया, ठीक है, और ये लाइन खींच ली प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, तो बच्चों मान लो रे ऑफ लाइट इधर से आ रहा है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां से पास करेगा फोकस, इसको क्या बोलेंगे फोकस, और इसको हम पर्टिकुलरली बोलते हैं सेकंड फोकस, F2, सेकंड फोकस। अब जितनी दूर F2 ना, इतनी दूर एक और पॉइंट यहां पे बना लो, इसको बोलेंगे टू टाइम्स ऑफ F2, दिस इज F2, दिस इज डबल ऑफ F2, और इस तरफ बच्चों एक पॉइंट होगा F1, जितनी दूर यहां से F2 उतनी दूर यहां से F1, और इससे उतनी ही दूर पे एक 2F1, तो F2 2F2 बराबर डिस्टेंस पे, F1 2F1 बराबर डिस्टेंस पे, ये सारे डिस्टेंस बराबर, बोले समझ में आया, और ये इसका डबल। अब अगर हमसे कोई कहे कि कॉन्वेक्स लेंस इमेज कैसी फॉर्म करता है, मतलब इसके सामने हम ऑब्जेक्ट रखें तो कैसी कैसी इमेज फॉर्म करेगा, तो आइए पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, इंफिनिटी वाला केस अपन लास्ट में लेंगे, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, तो एक बार इसको डायग्राम को बनाते हैं, ये मैंने बनाया लेंस, ये बनाया ऑप्टिकल सेंटर, ये बन गया F1, आप स्केल से मेजर करिएगा जितना ये उतना ही है, तो आप ऐसे ले लीजिएगा 2 सेंटीमीटर इसको, 2 सेंटीमीटर इसमें, ठीक है, और इस तरफ फिर से 2 सेंटीमीटर पे F2 और 2 सेंटीमीटर पे 2F। अब ऑब्जेक्ट बोला बियॉन्ड 2F1, तो ये मैंने बच्चों ऑब्जेक्ट रख लिया, दिस इज माई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया ए बी, ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी, ए उसका हेड, बी उसकी टेल। अब मैं ए पॉइंट की इमेज चाहता हूं, बच्चों ऑप्टिक्स में किसी पॉइंट की इमेज अगर चाहिए तो वहां से आपको दो रेज निकालनी पड़ेंगी एटलीस्ट, और वो दो रेज जहां पर मीट करें वहीं पे इमेज बनेगी, तो मैंने इस पॉइंट ए की इमेज बनानी है, तो मैं यहां से कितनी रेज निकालूं, दो, तो पहली रे मैंने निकाली ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अब जो पैरेलल आ रही है वो कहां से पास करेगी फोकस से, और दूसरी रे मैं पास कराऊंगा ऑप्टिकल सेंटर से, तो दूसरी रे पास हो गई ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास होती है कैसे अनडेविएटेड, अब ए से जो दो रेज निकली वो कहां पर मिली, यहां पर, तो ये बनी ए की इमेज और इसको बोला ए डैश, समझ में आया, इस तरह से बी से एक रे मैंने ऐसे निकाली कैसे पास की ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड, और दूसरी मैंने मान लो ऐसे निकाली तो वो भी बेंड होके यही मिलेगी, मतलब बी की इमेज इसके जस्ट ऊपर बनानी है बी डैश, जहां ए बन गया उसके जस्ट ऊपर बी डैश, जोड़ दीजिए हेड किस तरफ है ए की तरफ, तो ये बन गई इमेज, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश इज द इमेज। तो हम बात करें कि ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड 2F1 है तो इमेज कहां बनी, तो पहला पॉइंट इमेज बनी बिटवीन F2 एंड 2F2, दूसरा पॉइंट
इमेज कैसी है, क्या रेस सच में मीट की हैं या अपीयर टू मीट, सच में रेस क्रॉस की हैं एक दूसरे को की हैं, तो जब सच में क्रॉस करती हैं तो बच्चों बनती है रियल इमेज, रियल इमेज जो स्क्रीन पे बन सके। कब बनती है, जब रेस एक्चुअली पास करें एक दूसरे को कट करें। और बच्चों ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, इमेज इसके उल्टे बन गई है, तो हम बोलेंगे इमेज और कैसी है बच्चों, कैसी है, इन्वर्टेड। ओके, चौथा पॉइंट साइज के बारे में, तो जब आप इसको पेन पेंसिल से बनाओगे, यहां पे भी दिख रहा है ये साइज थोड़ा सा बड़ा है और ये उससे थोड़ा सा छोटा, मतलब साइज कैसी है, डिमिनिश्ड, कैसी साइज है, डिमिनिश्ड। ओके, सो रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड कैसे करना है, 2 सेंटीमीटर ये ले लो, 2 सेंटीमीटर ये ले लो, यहां पे ऑब्जेक्ट ए बी रखा, ए से 2 रेज निकाली, एक पैरेलल लाए फोकस से पास की, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया अनडेविएटेड, जहां पे मिली वहां पे ए की इमेज ए डैश और इसके जस्ट ऊपर बी डैश। सो बिटवीन एफ टू एंड टू एफ टू, रियल इन्वर्टेड एंड हाउ डिमिनिश्ड, छोटी हो गई। ओके, अपन सेकेंड केस लेते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट 2f1, तो ये मैंने लेंस बना लिया बच्चों, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहां पे f1, इतनी ही दूर ध्यान से 2f1, इतनी ही दूर f2 और इतनी ही दूर 2f2। आप इसको स्केल से करेंगे, मैं अप्रोक्सीमेशन से कर रहा हूं बट आपको स्केल से करना है, ठीक है। यहां पे ऑब्जेक्ट रखा मैंने ए बी, और ऑब्जेक्ट को लेंस से बड़ा मत बनाइएगा वरना लाइट पास नहीं हो पाएगा। अब ए की इमेज बनानी है तो ए से 2 रेज चाहिए, एक लेके आया पैरेलल, कहां से पास की, फोकस, और एक मैं कहां से पास कराऊंगा, ऑप्टिकल सेंटर से, ये बनाइए इमेज, ए का इमेज ये बनाते, इसको बोने बोला ए डैश, इसके जस्ट ऊपर यहां पे क्या बना, बी डैश, तो ये बनी इमेज ए डैश बी डैश। सो इमेज ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हमने, 2f1, और इमेज कहां बनी एट 2f2, ऑब्जेक्ट एट 2f1, इमेज एट 2f2। सो हम बोलेंगे इमेज पहला पॉइंट कहां पे, एट 2f2, दूसरी पॉइंट क्या रेस सच में मीट की है तो रियल, तीसरा पॉइंट सीधी है कि उल्टी, उल्टी है तो बोला अपन ने कैसी, इन्वर्टेड, और चौथा पॉइंट साइज के बारे में बच्चों, तो सेम साइज, कैसा सेम साइज, आप स्केल से ड्रॉ करोगे एकदम तो ये बराबर साइज एकदम मस्त। तो ऑब्जेक्ट एट 2f1, इमेज एट 2f2, रियल क्योंकि सच में रेज मीट की, इन्वर्टेड क्योंकि उल्टी इमेज बनी, और कैसी, सेम साइज। ओके, तो अपन नेक्स्ट केस लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट पहुंचा बिटवीन f1 एंड 2f1, ये रहा f1 और इतनी ही दूर पे बनाएंगे 2f1, इधर f2 और इतनी ही दूर पे 2f2, तो ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में a b बिटवीन f1 एंड 2f1, एक रे मैंने a से निकाली पैरेलल, किससे पास करेगी, फोकस, एक रे पास कराई ऑप्टिकल सेंटर से, यहां कहीं मिल रही। ओके, सो a की इमेज यहां कहीं बनी a डैश, और इसके जस्ट ऊपर b डैश, ये बन गई इमेज। तो अगर हम इमेज की बात करें तो इमेज कहां बन रही है, फर्स्ट पॉइंट बियॉन्ड 2f2, 2f2 से दूर, रियल है, बिल्कुल रियल है, इन्वर्टेड है, यस। तो एक चीज आप समझ जाइए, जब भी रियल इमेज बनेगी तब इन्वर्टेड, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। एंड फोर्थ पॉइंट, कैसी हो गई साइज, बड़ी हो गई, तो हम लोग बोलेंगे इट इज इनलार्ज्ड। तो आप देखो जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पास ला रहा हूं, इमेज एक तो दूर भाग रही है और उसका साइज बढ़ रहा है। सबसे पहले केस में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 रखा था, इमेज इन दोनों पॉइंट के बीच में बनी थी छोटी सी, फिर ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा, इमेज 2f2 पे बनी सेम साइज, फिर ऑब्जेक्ट और क्लोज लाए अंदर बिटवीन 2f1 एंड f1, तो इमेज और दूर भाग गई, पिछली बार यहां थी अब यहां आ गई, और कैसी हो गई, इनलार्ज्ड, मतलब इमेज एक तो इधर भाग रही लगातार और दूसरा उसका साइज बढ़ रहा है। पहली बार इमेज कहां पे बनी थी हमारी, जब बियॉन्ड 2f1 था, इनके बीच में छोटी सी, दूसरी बार जब 2f1 पे रखा तो एट 2f2 सेम साइज की, और जब इसके बीच में आए तो इमेज बियॉन्ड 2f2, मतलब इमेज इधर भाग रही है और लगातार उसका साइज बढ़ रहा है और ऑब्जेक्ट इधर भाग रहा है। बोलिए आया, अपन चलते हैं थर्ड केस की तरफ, थर्ड हो गया, फोर्थ केस की तरफ। व्हाट इज द फोर्थ केस, द फोर्थ केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट
reaches at F1. Now this is conceptual. थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. ये ऑप्टिकल सेंटर उतनी ही दूर पे फोकस, उतनी ही दूर पे 2F1, इधर F2 और इधर 2F2, बराबर डिस्टेंस में. अब मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट रखा A B, कहां पे? एट F1. A से एक रे पैरेलल है, पास किया फोकस से, एक रे पास कराई ऑप्टिकल सेंटर से. बच्चों ये दोनों रेस जो बनी है यहां से, ये रेस पहले लोग कैसी हो गई? पैरेलल. अब ये दो लाइन पैरेलल है, ये कहां मीट करेगी बच्चों? कहीं नहीं मीट करेगी. बट मैथ्स कहता है कि ऐसी लाइंस इंफिनिटी में जाकर मीट कर जाएगी. इंफिनिटी कोई ऐसी जगह है जहां पैरेलल रेज भी जाकर मीट कर जाती है, इतना दूर. तो हम बोलेंगे इमेज कहां बनेगी? जहां पे रेज मीट करेंगी. तो रेज बहुत आगे बच्चों, बहुत आगे, बहुत आगे कहीं यहां पे मीट करेगी. तो एक ही इमेज यहां बनी ए डैश, ऊपर बनेगा बी डैश, और ये बनेगी इमेज बहुत बड़ी. सो इमेज कहां बनी? एट इंफिनिटी. रियल है? हाँ, रेस एक्चुअली मीट कर रही है, तो हमने बोला यस रियल. इन्वर्टेड है? यस, उल्टी बनी है. ऑब्जेक्ट ऐसा है जैसे इन्वर्टेड. साइज के बारे में क्या बोलेंगे बच्चों? साइज कैसी हो गई इसकी? हाईली मैग्नीफाइड. तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, इमेज इज एट इंफिनिटी एंड इट इज हाईली मैग्नीफाइड. तो देखिए ऑब्जेक्ट लगातार इधर आ रहा है. पहले बियॉन्ड 2F1 था, इमेज यहां थी छोटी. At 2F1, इमेज यहां आई बराबर. Between 2F1 and F1, इमेज इसके बाहर आई बड़ी हुई. At F1, इमेज चली गई इंफिनिटी पे बहुत बड़ी. मतलब इमेज लगातार इस तरफ शिफ्ट हो रही है और उसका साइज बढ़ता जा रहा है. ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हेन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन F1 एंड O, और अंदर चला गया. Between focus and optical center, ये optical center, ये focus, ये 2F, और object यहाँ भाग गया. Between F1 and O, इधर बनाया मैंने F2, और उतनी ही दूर पे 2F. A, B, एक ray parallel आई, कहाँ से pass की? F2 से. एक ray कहाँ से pass करेगी? Optical center से. अब ये दोनों rays बच्चों भाग रही हैं दूर, मतलब ये diverging rays हैं. लास्ट टाइम पैरेलल थी. पैरेलल रेस कहां पे मिलती हैं? इंफिनिटी. डाइवर्जिंग रेस? नो, दे नेवर मीट, दे नेवर मीट. तो क्या इमेज ही नहीं बनेगी? बनेगी बच्चों. इन रेस को जब हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे, इन रेस को हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे. इस वाली रेस को मैंने पीछे प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस बैकवर्ड, और इसको भी पीछे प्रोड्यूस किया. ये देखिए यहां पे दोनों रेस मिल रही है कहीं पीछे इस पॉइंट पे. तो ये बन गया ए का इमेज ए डैश, और इसके नीचे कहीं पे B डैश, ये जोड़ दिया, ये बनी इमेज. कुछ अलग सा हुआ ना, रेस को प्रोड्यूस बैकवर्ड करना पड़ा और तब इमेज बनी. तो इमेज कहां पे बनी? इमेज कहां बनी? ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट. ऐसा पहली बार हुआ ना, हर बार ऑब्जेक्ट इधर था, इमेज इधर. इस बार जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही इमेज. दूसरी चीज, क्या रेस सच में मीट की है? नहीं, इस बार हमने सोचा कि पीछे जाकर मीट कर रही होंगी. इसको बोलते हैं अपीयर टू मीट. दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग. हमने फोर्स किया कि जाओ पीछे मिल जाओ, इसको बोलते हैं अपीयर टू मीट. और इससे जो इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल. इट इज अ वर्चुअल इमेज. ये स्क्रीन पे नहीं ले सकते, देख सकते हैं ह्यूमन आई, रियल वर्चुअल दोनों देख सकते हैं, पर स्क्रीन पे वर्चुअल इमेज नहीं आ सकती. ठीक है, अब तीसरा पॉइंट कि ये इन्वर्टेड है क्या? ए बी A dash, B dash. क्या ये उल्टी हो गई? नहीं हुई, मतलब सीधी है. तो सीधी को बोलते हैं अपराइट, या उसी का नाम रखा गया इरेक्ट. अपराइट बोल दो या इरेक्ट. ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट साइज के बारे में. तो साइज कैसी हुई है बच्चों? इनलार्ज हुई है. इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से बड़ी हो. तो ये बड़ा स्पेशल केस है कॉन्वेक्स लेंस का. कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. जितने भी केस देखे आपने, इमेज इस तरह बन रहा था, है ना, उल्टा बन रहा था और रियल. एक लास्ट केस आया व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O एंड देन इट फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड अपराइट. वर्चुअल क्योंकि रेज अपीयर टू मीट, अपराइट क्योंकि सीधी इमेज, और अपराइट को अपन इरेक्ट भी बोलते हैं. और जब ऐसी इमेज बनाई ना, तो कैसी बनाई? इनलार्ज. सो कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म रियल इमेज,
और रियल में उसके पास भाई पूरा मतलब एक वैरायटी है, इट्स लाइक अ शॉप। क्या चाहिए? रियल इन्वर्टेड, हाँ है। रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, हाँ है। रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, वो भी है। रियल इन्वर्टेड सेम साइज, वो भी है। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई कॉन्वेक्स लेंस की शॉप में गए हम लोग बोले कि हमें चाहिए रियल इन्वर्टेड सेम साइज, मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ऑब्जेक्ट एट 2f1, इमेज एट 2f2, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। हमने बोला रियल इन्वर्टेड हाईली मैग्नीफाइड, बहुत मैग्नीफाई करके। तो हमने कहा ऑब्जेक्ट रख दीजिए फोकस पे, एक रे पैरेलल आया फोकस से पास किया, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों पैरेलल हो गई, पैरेलल रेज मीट एट इंफिनिटी। कैसी इमेज बनी थी? रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड। हमने कहा नहीं, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड भी दीजिए, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड। तो कहा ठीक है, ऑब्जेक्ट रखिए आप कहां? बियॉन्ड 2f1, 2f1 के बियॉन्ड। तो इमेज कहां बनी थी? बिटवीन f2 एंड 2f2। और कैसी इमेज? डिमिनिश्ड। पर अगर हमने कहा वर्चुअल इमेज दीजिए, कैसी इमेज? वर्चुअल मतलब इरेक्ट इमेज दीजिए, इरेक्ट समझ रहे हैं, इन्वर्टेड नहीं चाहिए, अब सीधी सीधी इमेज चाहिए। जब उल्टी उल्टी चाहिए तो हर तरह की इमेज मिलेगी, उल्टे में छोटा मिलेगा, उल्टे में बराबर, उल्टे में बड़ा, सब। मतलब जब रियल इमेज की आप बात करेंगे तो ये सब दे सकता है ना, इनलार्ज दे सकता है, सेम साइज दे सकता है, और क्या दे सकता है? डिमिनिश भी दे सकता है, सब दे सकता है। पर जब हमने कहा कि नहीं, अपने को रियल मतलब क्या? रियल मतलब इन्वर्टेड है ना, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा तो इमेज ऐसी, तो इसमें बड़ी छोटी बराबर सब दे सकता है। पर जैसी हमने कहा वर्चुअल, वर्चुअल मतलब इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, ऑब्जेक्ट भी ऐसा, इमेज भी ऐसा, इसमें इसके पास ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ एक ही चीज दे सकता है जो बना है, इनलार्ज। तो इसमें सिर्फ इसके पास एक ही ऑप्शन है कि ऐसा है तो हम ऐसा बना देंगे। यहां बहुत ऑप्शंस है कि ऐसा है तो हम ऐसा बना देंगे, ऐसा है तो हम ऐसा बना देंगे, और ऐसा है तो हम ऐसा भी बना सकते हैं, मैग्नीफाई भी कर सकते हैं, सेम साइज भी रख सकते हैं, और डिमिनिश। ठीक है, तो केस क्लियर हुआ। लास्ट वाला केस याद रखिएगा कि जब सीधी इमेज बनानी हो तो कॉन्वेक्स लेंस सिर्फ और सिर्फ कैसी बनाता है? इनलार्ज। कौन सा केस है? बिटवीन f1 एंड o। अब अपन बात करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे चला गया, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ये बचा हुआ था अपना केस। इंफिनिटी मतलब बहुत दूर, फार ऑफ, वेरी वेरी फार, बहुत दूर से ऑब्जेक्ट है। जैसे आप घर में लेंस लेके बैठे हैं और ऑब्जेक्ट पेड़ वेड़ के पास में है, कहीं बाहर एकदम, है ना, दूर। ठीक है, अब ये बनाया मैंने कॉन्वेक्स लेंस, और बच्चों इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बच्चों। तो बच्चों इंफिनिटी से कैसी रेज आती है? इंफिनिटी से पैरेलल रेस। पैरेलल रेस कहां को जाती हैं? इंफिनिटी को, वहां पे जाकर मिलती हैं। और कहां से निकलती हैं? इंफिनिटी से, इंफिनिटी से ओरिजिनेट करती हैं। तो पैरेलल रेस ओरिजिनेट फ्रॉम इंफिनिटी। तो एक रे ऐसा आया, एक रे ऐसा आया, दो रेस ले आया पैरेलल। अब आपको पता है अगर ये पैरेलल रेस आ रही हैं तो कहां से पास करेंगी? फोकस। और ये भी कहां से? फोकस। तो रेस सच में मीट की हैं? बिल्कुल मीट की हैं। तो इमेज बनी होगी? बिल्कुल बनी है। कहां बनी इमेज? एट f2। या आप क्या बोल सकते हो? एट फोकस। रियल है, हाँ, रेस सच में मीट की है तो रियल। और रियल बच्चों कैसी बनती है? हमेशा इन्वर्टेड। यहाँ पे ये पॉइंट प्रूव नहीं हो पाएगा, इन्वर्टेड है ना, एक अगला केस लेंगे उसमें प्रूव हो जाएगा, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड। चौथा साइज के बारे में बताइए, छोटा हो गया साइज, एकदम पॉइंट साइज। तो कैसा हो गया? अपन बोलेंगे पॉइंट साइज। पॉइंट साइज इमेज बनी रियल इन्वर्टेड, और कहाँ पे? एट फोकस। अच्छा बच्चों, ऐसा भी हो सकता है कि जो रेज आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो परंतु आपस में पैरेलल हो। देख, इंफिनिटी से कैसी रेज आनी है बच्चों? पैरेलल, पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो ये जरूरी नहीं। मतलब रेज ऐसी भी आ सकती है, ऐसी और ऐसी, दीज रेज आर पैरेलल बट दे आर नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये भी कहां से आ रही है? इंफिनिटी से। अब बच्चों ये रेज मिलती है इस जगह पर, कहां? f2 के नीचे कहीं, इस जगह, हमेशा f2 के नीचे। मतलब कोई भी रेज अगर पैरेलल है, कोई भी रेज बच्चों पैरेलल है, जैसे मान लो ये रे आई पैरेलल, तो ये कहां मिलेंगी? यहां पे, इस जगह, कहां पे? f2 के आसपास, इसी प्लेन। इसको अपन बोलते हैं प्लेन, ये एक प्लेन हो गया। इसको बोलते हैं बच्चों फोकल प्लेन। कौन सा प्लेन? फोकल प्लेन। तो इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पे बनती है? फोकल प्लेन, इस प्लेन में, इसमें। अगर ऐसे पैरेलल है तो इस प्लेन में ऐसे बन जाएगी कहीं नीचे, ठीक है, और अगर एकदम सीधे सीधे पैरेलल है तो इसी प्लेन में डॉट, ये जो प्लेन है इसी में इमेज बनी है। तो इस केस में छोटी तो है बट पॉइंट साइज नहीं, तो अपन बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज इज एट फोकस, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है।
तो बच्चों पूरा कॉन्वेक्स लेंस अगर आप एक बार पीछे जाएं और इनटू टू स्पीड करके देखें तो आपको एक बड़ी अच्छी चीज दिखाई पड़ेगी कि ऑब्जेक्ट रखा स्टार्टिंग में सबसे पहले यहां ले लेते हैं केस इंफिनिटी इमेज बनी फोकस कैसी रियल इन्वर्टेड पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट आगे आया बियॉन्ड 2f1 इमेज इधर भागी बिटवीन f2 एंड 2f2 कैसी थी रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड पॉइंट से कैसी हुई डिमिनिश हुई ऑब्जेक्ट आगे आया 2f1 इमेज आगे भागी 2f2 रियल इन्वर्टेड सेम साइज रियल इन्वर्टेड सेम साइज ऑब्जेक्ट और आगे आया बिटवीन 2f1 एंड f1 इमेज आगे भागी बियॉन्ड 2f2 रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड बढ़ती जा रही है साइज पॉइंट साइज डिमिनिश्ड सेम साइज मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट एट फोकस इमेज कहां चली गई इंफिनिटी रियल इन्वर्टेड हाईली मैग्नीफाइड तो इमेज लगातार इधर शिफ्ट हो रही है और बड़ी होती जा रही है बट एक लास्ट केस बड़ा इंपॉर्टेंट था जब ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर रखा था तब कैसी इमेज बनी थी वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन पकड़ते हैं कॉनकेव लेंस को तो बच्चों कॉनकेव लेंस और उसको और क्या बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस जैसे हमने कॉन्वेक्स को क्या बोला था शुरुआत में कॉन्वेक्स लेंस कौन से होते हैं कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग देखिए याद भी कर सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग दिस लेंस इज कन्वर्जिंग हाउ सपोज ये रे आई बच्चों पैरेलल अब ये रे कहां से पास करेगी फोकस और ये रे भी फोकस तो रे ऑफ लाइट कन्वर्ज हो रही है क्या हो रही है कन्वर्ज दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस अब बात करते हैं कॉनकेव लेंस की तो बच्चों कॉनकेव लेंस में दो ही केस याद रखने हैं आपको पहला कि ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास करेगी दैट विल पास अनडेविएटेड अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे ऐसे पास कर रही है तो इट विल पास अनडेविएटेड जैसे आ रही थी वैसे ही चली जाएगी और दूसरा पॉइंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मान लीजिए रे ऑफ लाइट ऐसे आई कैसे आई पैरेलल रेज ऑफ लाइट आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अब बच्चों कॉनकेव लेंस लाइट को क्या करता है डाइवर्ज करता है कन्वर्ज नहीं करता क्या करता है डाइवर्ज ऐसा ये लाइट भी क्या हो गई डाइवर्ज कोई और पैरेलल लाइट तो वो भी क्या होगी डाइवर्ज कोई और लेके आया पैरेलल लाइट तो वो भी क्या हो गई डाइवर्ज बिखर गई इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस पर इन सारी रेज को जब मैंने पीछे प्रोड्यूस किया हो ये सब किसी एक ही पॉइंट पे मिली मतलब ये एक कॉनकेव लेंस है और यहां से मैं एक पैरेलल रे लाया डाइवर्ज हुई पीछे ले गया यहां मीट की यहां से एक पैरेलल रे आया डाइवर्ज हुई पीछे ले गया फिर यही मीट की तो जितनी भी पैरेलल रेज है वो पहले डाइवर्ज होती है और पीछे प्रोड्यूस करने पे किसी सिंगल कॉमन पॉइंट पे मिलती है एक ही पॉइंट पे और इस पॉइंट को बोलते हैं अपन फोकस या F2 या सेकेंड फोकस या बच्चों क्या नाम है प्रिंसिपल फोकस ठीक है तो इसमें रेज पहले डाइवर्ज करेंगी फिर क्या करना पड़ेगा प्रोड्यूस बैकवर्ड और तब मिलेगा फोकस जैसे किसी ने कहा फोकस बताइए क्या है तो आप बोलो रेज ऑफ लाइट विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दीज रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज एंड द डाइवर्जेंट रेज ऑन बीइंग प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड्स मीट्स एट अ कॉमन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस And this point is called focus or principal focus or second focus. तो दो ही point याद रखने हैं. Optical center से गई तो undeviated, parallel आई तो diverge और पीछे produce किया तो कहाँ पे मिली focus. ठीक है? तो अब start करते हैं हम concave lens का image formation. तो अपने रखा object at any position. इसमें इतने case नहीं बनेंगे. Any position except infinity को छोड़ के object कहीं पे भी रख दीजिए तो मैंने यहां पे concave lens बनाया बच्चों ये optical center ये इसकी principal axis अब इस तरफ इसका क्या fall किया F2 और यहां पे 2F2 और इस तरफ F1 और 2F1 इसका focus इस तरफ आ रहा था ना पीछे की तरफ अच्छा तो object कहां पे कहीं पे भी है कहीं रख दें तो हमने ऑब्जेक्ट रख दिया मान लीजिए एक्ट 2F2 ए बी अब ए से एक रेल आया क्या हो गई डाइवर्ज पीछे कहां से पास की फोकस और एक रे ए से कहां से पास कराया ऑप्टिकल सेंटर से तो बच्चों ये रे और ये रे कहीं पे मीट कर रही हैं रियली तो मीट नहीं कर रही जब इसको क्या किया प्रोड्यूस बैकवर्ड तब मीट
मतलब ये एक्चुअल मीट नहीं कर रही है, ये क्या है? अपरेंट मीट। असल में तो एक रे ऐसे भाग गई और एक रे ऐसे भाग गई, ये दोनों रे कभी मीट नहीं करेंगी, पर इसको मैंने प्रोड्यूस बैकवर्ड किया तब मीट की। तो बच्चों इमेज कहां पे बनी है? तो इमेज उसी तरफ बनी है जिस तरफ ऑब्जेक्ट है। ये देखिए एक ही इमेज ये है ए डैश, और इसके जस्ट नीचे बना दिया बी डैश, ये बनी इमेज। जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज, तो इमेज ऑन सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट, क्या ये इमेज रियल है? क्या रेस सच में मीट की है? नहीं, तो कैसा है? वर्चुअल। अब क्या ये इमेज उल्टा है या सीधा है? तो जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज, तो कैसी बोलेंगे? इरेक्ट, या उसी को बोलेंगे अपराइट। और साइज के बारे में कमेंट करिए बच्चों, छोटा हुआ कि बड़ा हुआ? छोटा हो गया तो अपन बोलेंगे साथ में डिमिनिश्ड। कैसा? डिमिनिश्ड। सो ऑन द सेम साइड वर्चुअल, और वर्चुअल होती है तो हमेशा इरेक्ट, और साथ में छोटी हो गई तो डिमिनिश्ड। आपने कहा सर एनी पोजीशन ले सकते हैं? बिल्कुल, कुछ भी ले सकते हैं। आपने 2F1 लिया, 2F2 लिया, चेंज कर दीजिए। लेट अस चेंज दिस, लेट अस टेक सम अदर पोजीशन। ओके, लेट अस टेक द ऑब्जेक्ट इज हियर, आई एम नॉट ड्रॉइंग एनीथिंग नाउ, ओके, एंड इट इज द फोकस, नॉट ड्रॉइंग एनीथिंग, ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन। एक रे पैरेलल आया, डाइवर्ज, कहां से पास किया? फोकस। और एक रे मैं एक पॉइंट से निकालकर कहां से पास कराऊंगा? ऑप्टिकल सेंटर से। अब देखो ये रे पीछे लाने पर यहां पे मीट किया ए डैश, इसके नीचे बी डैश, बन गया। कहां बना? ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। वर्चुअल बिकॉज रेस को प्रोड्यूस बैकवर्ड करना पड़ रहा है, अपेरेंट है, असल में मीट नहीं कर रही। और कैसी है? अपराइट और डिमिनिश्ड। तो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखो ये एक ही इमेज बनाता है, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ओके, एंड द लास्ट केस, इफ इट इज एट इंफिनिटी। आपको शुरुआत में एक चीज ध्यान से नोट करनी है और याद करनी है। क्या चीज? जो बच्चों कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस सब पहचानते हैं, ये वाला लेंस, ये बच्चों दो तरह की इमेज बना सकता है। एक तो इन्वर्टेड इमेज मतलब उल्टी इमेज, जैसे ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो इमेज ऐसे बनेगी, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज उल्टा हो गई। और दूसरी ये बच्चों इमेज बना सकता है इरेक्ट इमेज। इरेक्ट मतलब सीधी, जिसको हम अपराइट भी बोलते हैं, अपराइट इमेज मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा तो इमेज भी ऐसे ही सीधी। ये दोनों तरह की इमेज बना सकता है, इन्वर्टेड भी और अपराइट भी। इंपॉर्टेंट ये बात याद रखना है बहुत अच्छे से कि इन्वर्टेड इमेज में ये साइज को इनलार्ज कर सकता है, ये साइज को डिमिनिश भी कर सकता है, और ये साइज को सेम भी रख सकता है। मतलब ऑब्जेक्ट जितना बड़ा लोगे इमेज पहली बात तो उल्टी बनेगी, हो सकता हो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी हो, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, हो सकता हो इमेज ऐसी हो ऑब्जेक्ट से बड़ी, हो सकता हो इमेज डिमिनिश मतलब छोटी हो जाए, उल्टी तो रहेगी ही ऐसी, और हो सकता हो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के सेम हो जाए बराबर, ये भी पॉसिबल। तो जब कॉन्वेक्स लेंस इन्वर्टेड इमेज बनाता है तो वो इमेज को इनलार्ज भी कर सकता है, बड़ा, छोटा भी कर सकता है और बराबर भी रख सकता है। पर जब वो अपराइट इमेज बनाएगा मतलब सीधी इमेज बनाएगा, तब सिर्फ और सिर्फ इनलार्ज्ड इमेज बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ इनलार्ज्ड, यानी ऑब्जेक्ट ऐसा तो इमेज सीधी बनेगी और बड़ी इनलार्ज्ड। तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉन्वेक्स इन्वर्टेड भी बना रहा है, अपराइट भी, अपराइट में सिर्फ और सिर्फ इनलार्ज्ड, और इन्वर्टेड में हर तरह की इमेज। अब बात करें कॉनकेव लेंस की, इस तरह का होता है कॉनकेव लेंस, सिर्फ एक ही इमेज बनाता है इरेक्ट, इन्वर्टेड नहीं बनाता, कॉनकेव
इन्वर्टेड नहीं बनाता, सिर्फ अपराइट इमेज। और कैसी? डिमिनिश्ड, सीधी इमेज और डिमिनिश्ड। जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज उससे छोटी और सीधी। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि कॉनकेव लेंस फॉर्म्स ओनली अपराइट एंड डिमिनिश्ड इमेज, सीधी और छोटी। अब इसके सिवा कोई भी केस देगा तो वो कौन है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इन्वर्टेड में बड़ी भी, बराबर भी और छोटी भी। कॉन्वेक्स लेंस इरेक्ट में इनलार्ज्ड, बड़ी। और कॉनकेव जब इरेक्ट बनाता है, इरेक्ट ही बनाता है सिर्फ, तो कैसी? डिमिनिश। इतनी बातें अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ूं। ओके, तक आपने नोट कर लिया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों साइन कन्वेंशन की। दो बातें याद रखिएगा। पहली बच्चों, आज लेंस मेकर फॉर्मूले से जो लेंस पे न्यूमेरिकल आते हैं उसे कैसे सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन से अच्छे से समझ लेते हैं। इसके बाद और क्वेश्चंस की जरूरत ना पड़े, अच्छे से एकदम ध्यान लगा के सुनिएगा। 6-7 मिनट में एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट को ओ से लिखा जाएगा। इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ एफ से लिखते हैं, कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव, और क्वेश्चन में यह चीज मेंशन नहीं करता। तो याद रखना है आपको कि कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है और कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कॉनकेव नेगेटिव, कॉन्वेक्स पॉजिटिव, तो ये कैसी होगी? पॉजिटिव। अब बोला ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर, क्या क्या निकालना है? फाइंड पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन। एक काम करते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं जिससे पिक्चर और क्लियर हो जाए। ये मैंने लेंस बना लिया। अब यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, साइज कितनी है? 4। ऑब्जेक्ट को हमेशा इस तरफ रखें। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, कितनी साइज है? 4। अब इस प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर दूर है किससे? फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से कितना दूर है? 30 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है लेंस से, उसके लिए यूज करते हैं यू। यू क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से, लेंस के सेंटर से, लेंस के सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 30। अब क्या करें? अब क्या होगा? यहां से लाइट आएगी, लेंस पे पड़ेगी और लेंस लाइट का रिफ्रैक्शन कराता है, तो यहां से लाइट कुछ ऐसे ऐसे करके आगे चली जाएगी। ठीक, ये लाइट आई। अब जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है वो डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, मतलब ये डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव और ये डायरेक्शन हो गया नेगेटिव। इसी तरह से ये एक्सिस होती है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी चीज है वो है पॉजिटिव, और नीचे जो भी चीज अगर होगी तो वो होगी नेगेटिव। जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है तो ऑब्जेक्ट को प्लस 4 सेंटीमीटर लेंगे। अब आई यू की बारी। यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहां से मेजर करना है? यहां से। तो यहां से देखो हम ऑब्जेक्ट के लिए किधर जाएंगे? पीछे। ऑब्जेक्ट रखा ही कहां है? पीछे की तरफ। ये देखो लाइट आगे जा रही, ऑब्जेक्ट किधर है? पीछे। तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी -30 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को 30 दिया है, पर 30 नहीं लेना। क्या लेना है? -30। क्यों? क्योंकि लाइट ऐसे जा रही तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव, और इसके ऑब्जेक्ट को हम कहां से मेजर कर रहे हैं? यहां से किधर जा रहे? पीछे की तरफ। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -30। ऑब्जेक्ट देखो किधर रखा है? पीछे। अच्छा, अब हमें निकालना है पोजीशन ऑफ इमेज। सबसे पहले पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज मतलब इमेज का डिस्टेंस। v होता है इमेज का डिस्टेंस, तो हमें इमेज का डिस्टेंस निकालना है, उसी को हम बोलते हैं पोजीशन ऑफ इमेज।
वी इमेज डिस्टेंस, ये भी कहां से मेजर होता है, ऑप्टिकल सेंटर से। अब एक फॉर्मूला लगेगा, लेंस मेकर फॉर्मूला, तो हम यहां पे यूज करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या है ये फॉर्मूला बच्चों, ये फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u और सबकी वैल्यू विथ साइन रखनी है। 1/f, f की वैल्यू कितनी है प्लस 10 इज इक्वल्स टू 1/v, v नहीं पता, इमेज की पोजीशन, इमेज का डिस्टेंस। माइनस 1/u, u की वैल्यू माइनस 30, क्यों माइनस 30, क्योंकि u पीछे की तरफ है, यहां से मेजर करना है, यहां से पीछे, तो माइनस 30। यहां से 1/v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/10 और ये हो जाएगा प्लस 1/30 और ये इधर जाके माइनस 1/30। अब यहां से हम निकाल सकते हैं 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/30, एलसीएम हो जाएगा इसका 30, 10 इंटू 3, 30 इंटू 1, कितना आया 2/30, तो 1/v की वैल्यू है 2/30 मतलब 1/15, तो 1/v की वैल्यू आ रही है 1/15, यानी v की वैल्यू कितनी है 15। कैसा आया, प्लस आया, ध्यान रखना है छोटी छोटी चीज का, प्लस आया कि माइनस आया, कैसे निकालेंगे इसको, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, यहां पे f की वैल्यू रख देंगे, यहां पे u की वैल्यू रख देंगे और v कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में ध्यान रखें उल्टा करना है, तो v की वैल्यू है प्लस 15 सेंटीमीटर, यानी इमेज का डिस्टेंस है 15, कैसा प्लस। तो बच्चों ये डायरेक्शन प्लस है क्योंकि लाइट ऐसे आ रही है और वैसे भी ये आगे का डायरेक्शन है, आगे का डायरेक्शन प्लस, पीछे का डायरेक्शन माइनस, तो इमेज 15 सेंटीमीटर है, कहां से, लेंस से, तो लेंस से 15 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाओ, 15 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाओ और यहां 15 सेंटीमीटर दूर बनेगी कोई इमेज, तो पोजिशन ऑफ इमेज इज 15 सेंटीमीटर, कैसी प्लस मिल गई, यहां इमेज बनने वाली है। ओके वेरी गुड, इमेज की पोजिशन मिल गई। अगली चीज है साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए तुमको मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन बच्चों क्या होता है, इट इज साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन बताता है इमेज ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा या कितना छोटा, जैसे मैग्निफिकेशन आया 2, मैग्निफिकेशन आया 2 मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से दो गुनी बड़ी, और मान लो मैग्निफिकेशन आया 1/2 मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से दोगुनी छोटी, ये बताता है। तो हमें मैग्निफिकेशन पता लगाना पड़ेगा, साइज ऑफ इमेज हमको नहीं पता, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पता है तो इससे काम नहीं बनेगा। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है और वो है वी बराबर यू, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो या तो इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज या तो इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो ये हमारे पास है, ये भी है, तो m इज इक्वल टू वी बाई यू, मैग्निफिकेशन इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, तो v की वैल्यू कितनी है प्लस 15, u की वैल्यू कितनी है माइनस 30, तो आंसर कितना आया माइनस 1/2, सो मैग्निफिकेशन इज माइनस 1/2, सो मैग्निफिकेशन हमको मिल गया माइनस 1/2। ठीक है भाई, मैग्निफिकेशन निकाल लिया, कैसे निकाला v बाई यू वाले फॉर्मूले से। अब निकालते हैं साइज ऑफ इमेज, तो मैग्निफिकेशन की जगह माइनस 1/2, इमेज की साइज नहीं पता, ऑब्जेक्ट की साइज 4, तो यहां से इमेज की साइज आएगी 4 इंटू माइनस 1/2, कितनी आ गई माइनस 2 सेंटीमीटर। ये क्या है, इमेज की साइज भी नेगेटिव है, पता नहीं, साइज ऑफ इमेज लिख लेते हैं कितनी आई है माइनस 2 सेंटीमीटर, साइज ऑफ इमेज आ गई माइनस 2 सेंटीमीटर, माइनस 2 सेंटीमीटर जो आ रहा है फॉर्मूले से लिखते चलो। ठीक है, अब इमेज यहां पर बनेगी तो इमेज किधर बनेगी, या तो इमेज ऊपर बनेगी या तो इमेज नीचे बनेगी, और इमेज की साइज कितनी होगी 2 सेंटीमीटर, कैसी आई है नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, मतलब इमेज बनेगी नीचे के साइड इधर कितनी बड़ी 2 सेंटीमीटर, नेगेटिव आने का मतलब इमेज को नीचे बनाओ। फिर आया नेचर, अब बच्चों ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज पलट गई, पलट गया, पलटने को बोलते हैं इनवर्टेड। जब भी कहीं तुमको इनवर्टेड इमेज दिखे, उल्टी इमेज दिखे, तो इनवर्टेड इमेज बच्चों हमेशा रियल होती है, तो नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल इमेज।
अभी मान लो इमेज सीधी बन जाती, इमेज सीधी बन जाती, ऊपर ये प्लस टू आ जाता, मान लो कोई न्यूमेरिकल है प्लस टू आ गया, तो इमेज सीधी बन गई, मतलब जैसा ये है वैसा ये, सीधी, सीधी मतलब अपराइट। तो बच्चों अगर अपराइट बनती है तो समझ जाओ वर्चुअल इमेज। याद रखेंगे ये कि इन्वर्टेड मतलब रियल, अपराइट मतलब वर्चुअल। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव। दो फॉर्मूले हैं सिर्फ दो फॉर्मूले, एक 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू, इसमें फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की पॉजिटिव कॉन्केव की नेगेटिव, वी इमेज का डिस्टेंस कहां से ऑप्टिकल सेंटर से, आगे चलेंगे तो पॉजिटिव पीछे चलेंगे तो नेगेटिव, यू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से यहां से पीछे चलेंगे तो नेगेटिव, और एक मैग्निफिकेशन साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज बाद में बनती है तो जो बाद में अपॉन पहले, इमेज का डिस्टेंस बाद में अपॉन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर इमेज नेगेटिव आई है मतलब नीचे बनाना है, अगर इमेज पॉजिटिव आई है मतलब ऊपर, नीचे बनी मतलब इन्वर्टेड मतलब रियल, ऊपर बनी अपराइट मतलब वर्चुअल। तो इस क्वेश्चन में जितने कॉन्सेप्ट मैं दे सकता था दिया, कोशिश करेंगे एक कॉन्केव लेंस का भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें। थैंक यू।